गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग महामैराथन की क्लास पे चलेंगे और ये आपकी पहली और आखिरी महामैराथन की क्लास है। मींस आपकी केवल एकमात्र महामैराथन की क्लास होगी और आज की इस क्लास में हम लोग ग्रामर प्लस लिटरेचर के सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 20 नंबर का 20 एमसीक्यू शुरुआत में पूछा जाएगा, आज की इस क्लास में उसे पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाले हैं। और आज की एक क्लास 2.5 से 3 घंटे की एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे कॉपी किताब पिन लेकर के बैठेंगे और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 20 नंबर कैसे पक्के होंगे, एक बार यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है और इस इंग्लिश के सिलेबस में देखिए आपका पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन दिए हुए हैं। और रीडिंग सेक्शन में देखिए पहला पॉइंट दिए हुए हैं 160 पैसेज फॉलोड बाई 3 एमसीक्यूज, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया ये आपका रीडिंग सेक्शन से 3 एमसीक्यूज हो गया और राइटिंग सेक्शन से कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। और ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए पांचवा पॉइंट दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेस आर्टिकल्स रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस स्पेलिंग्स, मींस इन 5 टॉपिक के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो रीडिंग सेक्शन से 3 एमसीक्यूज और ग्रामर वाले सेक्शन से 5 एमसीक्यूज, तो अभी तक टोटल 8 एमसीक्यूज हो चुके हैं और 12 एमसीक्यूज बचे हुए हैं। और 12 एमसीक्यूज आपके लिटरेचर वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। और लिटरेचर वाले सेक्शन में देखिए प्रोज का सिलेबस दिए हुए हैं और प्रोज के सिलेबस में देखिए 8वां पॉइंट दिए हुए हैं 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस प्रोज का एक पैसेज देंगे और उस पैसेज के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये आपका 8वां हो गया। अब देखिए 9वां, आपका 9वां पॉइंट दिए हुए हैं प्रोज के सिलेबस में 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस, मींस प्रोज के सभी जो है चैप्टर्स के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो टोटल प्रोज में से कितने एमसीक्यूज हो गए, 5 एमसीक्यूज हो गए। तो 5 एमसीक्यूज आपके प्रोज में से पूछे जाएंगे। और इसके बाद पोएट्री वाला सेक्शन देखिए, पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए 12वां पॉइंट दिए हुए हैं 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक स्टंजा देंगे और उस स्टंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया 2 एमसीक्यूज आपका पोएट्री वाले सेक्शन से हो गया। अब हम लोग चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस सप्लीमेंट्री रीडर में। तो सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए 15वां पॉइंट दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसंस, मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया 5 एमसीक्यूज सप्लीमेंट्री रीडर में से, 5 एमसीक्यूज आपके प्रोज में से और 2 एमसीक्यूज पोएट्री वाले सेक्शन से। तो 12 एमसीक्यूज हो गया ना, 8 एमसीक्यूज यहां पर हुआ था और 12 एमसीक्यूज यहां पर हो गया। तो टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए, 20 एमसीक्यूज हो गए। यही 20 एमसीक्यूज आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज एक नंबर का होगा। तो 20 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 20 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा बच्चे आपकी रिवीजन सीरीज की कुछ क्लासेस डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे चली हुई हैं, तो आप इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा और जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस दी गई हैं आप सभी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जिन बच्चों की कल बोर्ड परीक्षा है। तो भैया यहां पर देखिए आपका हमने लिखे हुए हैं 3 महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज की श्रृंखला, मींस आपको 3 महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज कराने वाले हैं। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने जो है कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज एक नंबर का होगा, तो मींस 3 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखे हुए 3 नंबर पक्का। इस 3 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग पहले अनसीन पैसेज पे। तो यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज
पैसेज नंबर 1 लिखे हुए हैं। और इस अनसीन पैसेज नंबर 1 में क्या है, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आधार पर जो 3 एमसीक्यूज पूछे गए हैं इन तीनों एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। और भैया ये आपका अनसीन पैसेज एक सांकेतिक रूप है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज पहली बार आपके सिलेबस में इस तरह से ऐड किया गया है, तो इसलिए किसी को नहीं पता कि किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। तो इसलिए ये जो तीनों अनसीन पैसेज करा रहे हैं इसमें कोई गारंटी नहीं कि यही तीनों आ जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज का नाम ही होता है प्यारे कि जो आपने देखा ना हो। तो इसलिए जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे कुछ अलग ही आएगा, लेकिन अगर आप इन तीनों अनसीन पैसेज को किए रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर ले जाओगे चाहे जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछा जाए। तो भैया पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अनसीन पैसेज है, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सॉक्रेटिस एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, मीन्स लगभग 400 वर्ष पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के, मींस ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट मींस हो जाएगा ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सॉक्रेटिस एथेंस में रहते थे, सॉक्रेटिस मींस सुकरात एथेंस में रहते थे। आगे देखना, एज अ बॉय, जब वह लड़के थे, ही वाज अगली वे बदसूरत थे, अंडर साइज्ड मींस छोटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी एक चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आईज, और उभरी हुई आंखें थी, बल्गिंग मींस हो जाएगा उभरी हुई, और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वे हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे, सैबली मींस हो जाएगा गंदे, ड्रेस्ड मींस हो जाएगा कपड़े, इसलिए वे हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। तो भैया ये आपका छोटा सा अनसीन पैसेज हो गया, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो अब यहां पर देखिए पहला एमसीक्यूज आपके जो है बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा, Where did Socrates lived? मीन्स Socrates कहाँ पर रहते थे, तो भैया एथेंस में रहते थे ना, तो सिंपल सा हो जाएगा आपका एथेंस, देखिए पहली लाइन में दिए हुए हैं Socrates lived in Athens, Socrates एथेंस में रहते थे, तो आप क्या कर दोगे एथेंस वाले ऑप्शन पर टिक कर दोगे, तो पहले का आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले की तीसरे पर हम लोग टिक कर देंगे, तो यहाँ पर टिक किए हुए हैं। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, Socrates फादर वाज, Socrates के पिता थे, तो भैया Socrates के पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे ना, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा अ पुअर स्टोन कटर, मींस Socrates के पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, तो आपका जो है दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, Socrates was a handsome man, Socrates एक handsome means खूबसूरत व्यक्ति थे, बिल्कुल नहीं प्यारे, वहां पर दिया हुआ था ना अगली जो है जो इनका चेहरा जो है पूरी तरह से बदसूरत था, उभरी हुई आंखें थी, फ्लैट चपटी हुई नाक थी, तो इस तरह से उनका चेहरा बदसूरत था ना, तो बिल्कुल नहीं, वह हैंडसम नहीं थे, सुंदर बिल्कुल नहीं थे, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, तो इसलिए तीसरे के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका जो है 3 एमसीक्यूज कवर हो गया पहले अनसीन पैसेज के आधार पर। अब 2 अनसीन पैसेज और बचे हुए हैं, उन दोनों अनसीन पैसेज को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 2 है, मिस दूसरा अनसीन पैसेज है, पहले हम लोग इस दूसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आधार पे जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उन सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो जल्दी से इस जो है अनसीन पैसेज को ध्यान से देखिए, आपका अनसीन पैसेज कुछ इस तरह से है, When you want to read at night, जब आप रात्र में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तब आप आसानी से जो है एक स्विच को दबाते हैं, and the electric lamp gives you light, और बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है, do you know, क्या तो जो है आप जानते हैं, who invented, किसने आविष्कार किया थे इलेक्ट्रिक लैंप में बिजली के बल्ब का, क्या आप जानते हैं कि किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया,
आगे है, ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, वह एक अमेरिकन थे और उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अगला आगे देखिए, इवन इन द चाइल्डहुड, यहां तक कि बचपन में एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के फॉन्ड ऑफ थे, मीन शौकीन थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, मीन्स उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। तो भैया ये आपका जो है दूसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। ये आपका किसके बारे में था? थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में था। तो अब इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए कैसे प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न जो है इस अनसीन पैसेज के आधार पर बना हुआ है, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक लैंप गिव यू, मीन्स बिजली का बल्ब आपको क्या देता है। तो भैया बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है ना, तो पहला ऑप्शन डायमंड देता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन गोल्ड देता है, सोना देता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन फायर, आग देता है, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो भैया जो है आपका सीधे यहाँ पर देखिए दी हुई है ना कि इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है, तो आपका क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो ये आपका पहले के चौथे पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, Who invented, किसने आविष्कार किया the electric lamp, is बिजली के बल्ब का, बिजली के बल्ब का किसने आविष्कार किया? तो भैया पहला ऑप्शन राहुल गांधी ने आविष्कार किया, बिल्कुल नहीं। दूसरा नरेंद्र मोदी ने आविष्कार किया, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए दी में थॉमस अल्वा एडिसन, तो आपका यही सही ऑप्शन हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। और ऐसा आपका जो है अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो दूसरे के तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा में टिक करना है उमार सीट पर, और उमार सीट को ध्यान से बढ़िएगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, Who was fond of asking questions, कौन जो है प्रश्न पूछने का शौकीन था? तो भैया एडिसन प्रश्न पूछने के शौकीन थे बचपन से ही ना, तो आपका एडिसन हो जाएगा। एडिसन किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? देखिए चौथे ऑप्शन में आपका एडिसन दिए हुए हैं, तो इसलिए तीसरे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो आपका दूसरा अनसीन पैसेज भी कवर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए आपका तीसरा और अंतिम अनसीन पैसेज है। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं, इसके बाद इसके आधार पर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए आपका है अनसीन पैसेज, वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, मीन्स विक्रमादित्य के नेम से, नाम से, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign means उनका शासन, has been a landmark, landmark means होता है युगांतकारी घटना, उनका शासन एक युगांतकारी घटना थी in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक युगांतकारी घटना थी। The Vikram Samvat means Vikram Samvat, Ops means ready है, its origin means अपनी उत्पत्ति के लिए, विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए ready है, to him means उनका, means विक्रम संवत अपने जो है उत्पत्ति के लिए उनका ऋणी है। आल्तो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, लेकिन यह बहुत विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बहुत मुश्किल उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित चीजें जानते हैं। There is one thing certain, एक चीज निश्चित है about him, means उनके बारे में, उनके बारे में एक चीज निश्चित है, however he loved justice and learning, कि वह जो है किससे प्रेम करते थे? न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। He gave perfect justice, वह सही न्याय देते थे,
टू हिज पीपल, मीन्स अपने लोगों को, वह अपने लोगों को सही न्याय देते थे। एंड गैदर्ड, और इकट्ठा होते थे, लर्नेड मैन, मीन्स जो है पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति इकट्ठा होते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, के वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। तो भैया ये हो गया आपका अनसीन पैसेज नंबर तीसरा हो गया, ये तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज बने हुए हैं, उन एमसीक्यूज को हम लोग कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो है इस अनसीन पैसेज के आधार पे जो एमसीक्यूज हैं यहां पर हैं। पहला एमसीक्यूज है, बाय विच नेम आर वी फेमिलियर, किस नाम से हम सभी परिचित हैं। तो भैया विक्रमादित्य के नाम से हम सभी परिचित हैं ना, तो आपका विक्रमादित्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन रोहित दिए हैं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका विक्रमादित्य दिए हैं, आपका यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड विक्रमादित्य लव, मींस विक्रमादित्य किस चीज से प्रेम करते थे। तो भैया जस्टिस एंड लर्निंग, मींस जो है न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे ना, तो ये हो जाएगा। आपका पहला एंगर से प्रेम करते थे, क्रोध से प्रेम करते थे, बिल्कुल नहीं। दूसरा होप, आशा से प्रेम करते थे, बिल्कुल नहीं। तीसरा प्रिया से प्रेम करते थे, बिल्कुल नहीं। जस्टिस एंड लर्निंग आपका दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के चौथे पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, देखते हैं तीसरा क्या है। तो यहां पर देखिए आपका तीसरा जो है प्रश्न है, Who was the greatest judge, कौन महानतम न्यायाधीश था इन हिस्ट्री, मीन्स इतिहास में। तो भैया इतिहास में कौन महानतम न्यायाधीश, विक्रमादित्य महानतम न्यायाधीश थे ना, तो आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन मोहित, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कृष्णा, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका विक्रमादित्य दिए हुए हैं, तो आपका विक्रमादित्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया ए आपका तीसरी का तीसरा सही हो गया। तो ए आपका पूरी तरह से ए अनसीन पैसेज यहीं पर कंप्लीट हुआ। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में जो शुरुआत के तीन प्रश्न होंगे, और शुरुआत के तीन प्रश्न आपके अनसीन पैसेज को होंगे, और हमने आपको तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से करा दिए कि किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और प्याची इस सर्टेन नहीं था, मीन्स अनसीन पैसेज का कुछ नहीं पता कि कौन सा अनसीन पैसेज आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दे, इसीलिए हमने केवल तीन ही अनसीन पैसेज सांकेतिक रूप में कराए हुए हैं, ताकि आपको पैटर्न पता रहे कि किस तरह से पूछा जाता है और कैसे आपको उसका उत्तर खोजना होता है, ठीक है। और आप अनसीन पैसेज को करते समय ध्यान देंगे, उस अनसीन पैसेज को आपको दो से तीन बार पढ़ना है, कम से कम दो बार पढ़ना है। दो बार पढ़ने के बाद ही आप उस अनसीन पैसेज के प्रश्नों का उत्तर देंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है 20 महत्वपूर्ण ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आपका 5 आपके जो एमसीक्यूज ग्रामर बेस्ड होंगे उसे कवर करेंगे। और कहां पर ग्रामर बेस्ड होंगी, यहां पर ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए आपका दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। मींस इन 5 टॉपिक के आधार पर 5 प्रश्न, 5 एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा, अब हम लोग उसे करेंगे। और हमने 20 महत्वपूर्ण ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज को बनाए हुए हैं, और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो भैया जल्दी से अब हम लोग जो है इन 20 प्रश्नों को कवर करते हैं, और एक क्रमवाइज चल रहे हैं, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा उसी तरह से क्रमवाइज चल रहे हैं। और ये आपका आपकी बोर्ड परीक्षा में शुरुआत के 3 प्रश्न हो गए, और 4 प्रश्न से लेकर के 9 प्रश्न, मीन्स 8 प्रश्न तक आपकी बोर्ड परीक्षा में यही होगा, 4 से लेकर के 8 तक, मीन्स 5 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अब जो है ग्रामर के आधार पर होगा। तो चलते हैं 5 प्रश्न के रूप में हम जो है 20 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं 20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ग्रामर, मीन्स ग्रामर के आधार पर 20 एमसीक्यूज। तो यहां पर देखिए आपका पहला एमसीक्यूज है, द यंग बॉय रैन अवे, मीन्स जो है नौजवान लड़का भाग गया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो भैया एडजेक्टिव की पहचान करनी है कैसे करोगे, एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या होती है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव होता है। तो इस सेंटेंस में बॉय क्या है, हमारा नाउन है ना, और बॉय कैसा, यंग, नौजवान है ना, मींस नौजवान लड़का है ना, तो लड़के की विशेषता क्या हो गई, नौजवान हो गया। तो यंग इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यंग ने बॉय की विशेषता बताया, बॉय
बाय क्या था, नाउन था, तो आपका जो है इसमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, यंग हो जाएगा। तो मींस आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव जो था इसमें आपका यंग एडजेक्टिव हो गया, पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया पहले के सी वाले ऑप्शन में यंग दी हुई है ना, तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए दूसरा आपके सामने एमसीक्यूज है, रामू वाज वेरी लेबोरियस, रामू बहुत मेहनती था, आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें आपको वर्ब की पहचान करनी है। तो भैया वाज बताइए क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज है ना, तो वाज आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन लेबोरियस बिल्कुल नहीं, लेबोरियस यहां पर नाउन होगा, रामू भी नाउन होगा, वाज आपका पर्ची क्या है, यहां पर वर्ब है, तो इसलिए दूसरे के तीसरे ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए दूसरे के सी वाले ऑप्शन पर हमने टिक किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न यहां पर है आपके सामने है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ का नाउन फॉर्म क्या होगा। तो भैया इसे आपको तैयार थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का नाउन स्ट्रेंथ ही होता है, तो पहला ये ऑप्शन आपका स्ट्रेंथ दिए हुए हैं, आपका स्ट्रेंथ का नाउन स्ट्रेंथ ही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया स्ट्रेंथ का नाउन स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, सीता हैज गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल हैव या शैल हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यही फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। तो आप लगा दीजिए सीता, सीता के अकॉर्डिंग विल हैव होगा, सीता विल हैव हो जाएगा, गॉन यहां पर आपका जो है गॉन दिए थर्ड फॉर्म दिए, तो गॉन ही हो जाएगा, टू स्कूल कर देंगे, मीन सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ऐसा ऑप्शन इसमें कहां दिए हुए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल आपका जो है चौथे का, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चौथे के डी में यही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका चौथे का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करिए, चेंज करिए, मींस बदलिए। तो भैया पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ना, तो ये आप कर देंगे, तो दी बॉयज के आगे हैड हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दी बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, और ऐसा ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, दी बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, तो आपका पांचवी का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवी की डी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो आप देख रहे होंगे किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा भी। आगे देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, लड़के ने ब्लाइंड मैन की मदद किया, मीन्स अंधे व्यक्ति का मदद किया, आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, इसमें आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो भैया एडजेक्टिव की पहचान हमने आपको क्या बताया कि यह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो यहां पर मैन क्या है, हमारा नाउन है, और मैन कैसा है, ब्लाइंड है, अंधा है, तो यहां पर ब्लाइंड ने क्या दिखाया, मैन की विशेषता दिखाया, और मैन नाउन था, तो इसलिए ब्लाइंड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ब्लाइंड किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए छठे का सी वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो छठे की सी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए छठे की सी वाले ऑप्शन पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और एक बार सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के हर एक बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये महामैराथन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और क्लास चल रही है, और आपकी दूसरी महामैराथन की क्लास नहीं होगी प्यारचे, इसके पीछे रीजन आपको क्लास के अंत में बता देंगे कि आपकी एक ही महामैराथन की क्लास क्यों होगी दूसरी क्यों नहीं होगी, इसके पीछे रीजन आपको क्लास के अंत में बता देंगे। तो अब यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, My friend is a hard working man. Identify the verb. Means ये आपका my friend is a hard working man जो है इसमें verb की आपको पहचान करना है। तो भैया verb is आपका verb हो जाएगा ना,
तो इज आपका वर्ब है तो सीधे इज को वर्ब दिखा देंगे, तो पहला वॉकिंग बिल्कुल नहीं, दूसरा आपका देखिए इज दिए हुए हैं तो आपका इज आपका वर्ब हो जाएगा, तो इसलिए सातवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा। तो भैया आपका हमने बताया नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना, एडवर्ब बनाना, एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आपका सक्सीड का जो है नाउन फॉर्म होता है सक्सेस होता है, तो आपका सक्सेस देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, आठवीं का सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका आठवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया था। आगे देखिए यहां पर आपके सामने नवा प्रश्न है, और नवा प्रश्न क्या है, चूज दी करेक्ट प्रीपोजिशन, मीन सभी सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए, कंप्लीट दी सेंटेंस टू कंप्लीट दी सेंटेंस, इस वाक की पूर्ति के लिए, इस वाक की पूर्ति के लिए सही जो है सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए। तो भैया सही प्रीपोजिशन क्या होगा देख लीजिए, इट हैज बीन रेनिंग, या बारिश हो रही थी, डॉट डॉट मॉर्निंग, कब से बारिश हो रही थी, सुबह से। तो भैया सुबह आपका निश्चित समय है ना, और निश्चित के समय के लिए एब्सेंस का प्रयोग करते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी नहीं होगा, सिंस आपका बी वाला ऑप्शन सिंस दिए हुए हैं, तो आपका सिंस मींस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो आपका नवे का कौन सा सही हो गया, बी वाला सही हो गया, तो नवे की बी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं दसवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दसवां प्रश्न है, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। तो भैया अब इसमें आपको आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें आपको वर्ब की पहचान करनी है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया है। तो वर्ब की पहचान मीन्स वर्ब आपका क्या हो जाएगा, इसमें लिव्स आप देख रहे होंगे, एल आई वी ई एस, लिव्स मीन्स होता है रहना, सी लिव्स वह रहती मुंबई फॉर हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। तो भैया रहना लिव्स आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, लिप्स आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि रहना जिसके अंत में ना आए हमने बताई हुई वर्ब होता है, और ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। तो भैया लिप्स आपका वर्ब हो जाएगा, तो इसमें देखिए आप लिप्स को कर देंगे पहला ऑप्शन स्टडीज बिल्कुल नहीं, दूसरा हर बिल्कुल नहीं, तीसरा लिप्स आपका दिए हुए हैं, इसलिए आपका दसवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दसवीं की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए दसवीं की सी पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं देखते हैं ग्रामा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने ग्रामा प्रश्न है, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासिफाई इज, क्लासिफाई का नाउन फॉर्म होता है, मींस नाउन होता है। तो भैया क्लासिफाई का नाउन क्या होता है, पहला क्लासिफाइंग होता है, दूसरा क्लासिफाइड होता है, तीसरा क्लासिफिकेशन होता है, या चौथा क्लासिकल होता है। तो भैया इसका नाउन फॉर्म क्लासिफिकेशन होता है, किसका नाउन फॉर्म जो है, क्लासिफाई का नाउन फॉर्म क्लासिफिकेशन होता है, इसलिए ग्रामीण का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्रामीण के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ग्रामा का सी आपका जो है सही हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं बारहवीं प्रश्न की तरफ, देखते हैं बारहवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने बारहवां प्रश्न है, चूज दी करेक्ट प्रीपोजिशन, मीन्स सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए, टू कंप्लीट दी सेंटेंस, मीन्स वाक्य की पूर्ति के लिए, वाक्य की पूर्ति के लिए सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए। तो भैया जो है आपका जो है वाक्य क्या है, सीता इज टेकिंग रेस्ट, डॉट 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 टॉल ट्री होगा, तो रेस्ट यहाँ पर पहले होगा, रेस्ट के बाद डॉट डॉट होगा, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट टॉल ट्री, तो भैया क्या होगा, अंडर और टॉल ट्री हो जाएगा, इन टॉल ट्री हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा, विद इन हो जाएगा। तो भैया जब किसी के नीचे की बात हो तो आप वहां अंडर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर टॉल ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पर अंडर का प्रयोग होगा, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तेरहवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं तेरहवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तेरहवां प्रश्न है, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, मीन्स राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय में आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो भैया बॉय आपका नाउन हो गया, और बॉय की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है, मीन्स बुद्धिमान बता रहा है, तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो जाए,
जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए 13 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एडजेक्टिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, मींस एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम में आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो भैया गर्ल आपका नाउन हो गया, और गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो गर्ल की विशेषता किसने बताया, इंटेलिजेंट ने बताया, तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आप सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, सी वाला आपका ऑप्शन इंटेलिजेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपका जो है 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखिए आपका दिए हुए हैं, दे फाट फॉर दियर नेशन, वे अपने जो है राष्ट्र के लिए लड़े। तो इसमें आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें वर्ब की पहचान करनी है। तो भैया फाट, ये फाइट का सेकंड फॉर्म जो है फाट है, फाइट का सेकंड फॉर्म फाट होता है। तो भैया फाट आपका फाइट का सेकंड फॉर्म दिए हुए हैं, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स आपका वर्ब है, तो यही आपका वर्ब हो जाएगा। तो मीन्स फाट आपका जो है वर्ब हो जाएगा, और कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो भैया आपका जो है इसमें फाट, मीन्स देखिए डी वाले ऑप्शन में फाट दिए हुए हैं, इसलिए 15 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 के डी वाले ऑप्शन पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। और यहां पर देखिए आपके सामने 16वां प्रश्न है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, ग्लोरी का एडजेक्टिव है। तो भैया ग्लोरी का एडजेक्टिव ग्लोरियस होता है, शानदार होता है, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, ठीक है, ग्लोरी मीन्स होता है शान, और इसका जो है एडजेक्टिव शानदार हो जाएगा। तो भैया जो है ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म ग्लोरियस हो जाएगा, ग्लोरियस आपका सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 16वें का सी वाला ऑप्शन, ग्लोरियस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16वें की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के AL सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल, एक बहुत सुंदर मंदिर इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, अयोध्या में बना हुआ है। तो भैया एक बहुत सुंदर मंदिर जो है अयोध्या में बना हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो टेम्पल आपका मंदिर है, मंदिर नाउन है, और ये जो है मंदिर कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो आपका जो है ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा टेम्पल की, क्योंकि विशेषता बताया, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 17वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की AH सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए आपके जो है सभी सेट के हमने सभी प्रश्नों को लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने है, द स्काई ग्रीव डार्क, मीन्स आसमान जो है घना हो गया, गहरा हो गया, मीन्स घना हो गया, और इसमें आपको आइडेंटिफाई दी वर्ब, वर्ब की पहचान करनी है। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के AS सेट में पूछा गया है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, ग्रीव मीन्स होना होता है ना, मीन्स आसमान गहरा हो गया, घना हो गया ना, अंधेर अंधकारमय हो गया ना, तो होना आपका ग्रीव मीन्स होता है बन जाना, ठीक है, तो ग्रीव आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ग्रीव वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे, और ऐसा ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन दिए हुए, तो इसलिए जो है 18वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है, फिल इन दी करेक्ट प्रीपोजिशन, मीन्स आपको सही प्रीपोजिशन भरना है इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, मीन्स इस वाक्य में, इस वाक्य में आपको सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। तो आपके सामने वाक्य क्या है, माय शूज आर मेड, मेरे जूते बने हुए हैं डॉट डॉट लेदर, मींस किसके बने हुए, लेदर के बने हुए हैं। और जो है मेड हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता है, तो क्या हो जाएगा, माय शूज आर मेड ऑफ लेदर, मींस मेरे जूते लेदर के बने हुए हैं, तो मेड अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता है, तो इसलिए आपका मेड ऑफ हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, माय शूज आर मेड ऑफ लेदर हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 20वां और अंतिम ग्रामर बेस अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इट इज रेनिंग हैवली, मींस बहुत भारी बारिश हो रही है, चेंज दी सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, तो अब इट के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, क्योंकि इट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन हो जाएगा। रेनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है, तो यहां पर भी आपका आईएनजी ही फॉर्म होगी, तो इट हैज बीन रेनिंग हैवली, जैसे वैसे उतार देंगे, तो
इट हैज बीन रेनिंग हैवली हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, सी वाला ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसलिए 20वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वीं का सी वाला ऑप्शन देखिए दिए ना, इट हैज बीन रेनिंग हैवली, तो आपका 20वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20वें के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया 20 प्रश्न आपके जो है जो 5 एमसीक्यूज आएंगे उसके आधार पर हमने करा दिए। तो आपका यहीं पर ग्रामर का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। ग्रामर में आपके यही जो है रीडिंग सेक्शन से 3 प्रश्न आएगा और जो है यहाँ पर ग्रामर वाले सेक्शन से 5 प्रश्न आएगा। हमने 8 ग्रामर बेस्ड प्रश्न को करा दिए। अब हम लोग चलेंगे लिटरेचर में चलेंगे और लिटरेचर में जो है पहले हम लोग करेंगे 6 पैसेज की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत। और यहाँ पर देखिए लिटरेचर में आपका दिए हुए ना 8वां पॉइंट देखिए, 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दी गिवन एक्सट्रैक्ट, मीन्स आपका जो है प्रोज का एक पैराग्राफ देंगे, एक जो है पैसेज देंगे, उस पैसेज के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया अब हम लोग जो है इसे इस 8वें पॉइंट को कवर करेंगे, मींस जो है आपका 9वां और 10वां प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा उसे हम लोग कवर करेंगे। तो भैया यहां पर हमने 6 जो है पैसेज को लिए हुए हैं, मींस आपके प्रोज के 6 चैप्टर हैं, सभी 6 चैप्टर से हमने एक एक पैसेज को उठाए हुए हैं और उन पैसेज के आधार पर जो है प्यारे हमने जो है 2-2 एमसीक्यूज को बनाए हुए हैं। तो भैया आपकी अब इस क्लास से जो आपकी क्लास होने वाली है 6 पैसेज की, इस क्लास से 2 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के होंगे क्योंकि 2 ही एमसीक्यूज यहां से पैसेज बेस पूछे जाएंगे प्रोज के, तो इसलिए 2 नंबर अब यहां से पक्के होंगे। तो जल्दी से पहले हम लोग जो है इस पहले पैसेज पे चलते हैं और ये पहला पैसेज प्यारे पहले हम लोग इस पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके आधार पर जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उन एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ हम लोग देख लेते हैं और 2-2 ही एमसीक्यूज हैं प्यारे, एकदम प्रोज का एक छोटा सा पैसेज देंगे, आप लोग डरिए नहीं, प्रोज का हमने बड़ा बड़ा पैसेज बना दिए लेकिन इससे भी छोटा पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और आप आसानी से उसके जो है उत्तर को खोज सकते हैं। पहले तो प्यारे सीधे आपको लिखना पड़ता था उत्तर, लेकिन अब आपको ऑप्शन में टिक करना होगा, तो टिक तो आप वैसे समझ जाओगे कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है और पैसेज को आप ध्यान दोगे कि 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, जो भी आपका चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे प्रोज का पैसेज हो, चाहे पोएट्री का स्टेंजा हो, जो भी आपका पैसेज वाला हो उसे आप ध्यान से पहले पढ़ोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। और 2 बार आपको पढ़ना है, एक बार ही नहीं, एक बार तो सरसरी नजर से पूरा पढ़ना है, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद दूसरी नजर में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब आप उसका उत्तर भी खोजना शुरू करोगे। पहली नजर में पढ़ने के बाद आप उत्तर बिल्कुल नहीं खोजेंगे, दूसरी नजर में जब पढ़ेंगे तब आप उत्तर भी खोजेंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब पहले हम लोग इस जो है पैसेज नंबर 1 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, ये प्रोज का पैसेज है, प्रोज की इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज पर चलेंगे। देखिए आपका जो है ये पहला जो है पैसेज है आपके प्रोज के पहले चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से है। आपका पैसेज क्या है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, मींस व्यक्ति ने चिल्लाया कि अब जो है बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, यह जल्दी ही बंद हो जाए, गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, यह जल्दी नहीं जो है बंद हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, दी हेल रेन, मीन्स ओले पड़े, ऑन दी हाउसेस, घरों पर पड़े, दी गार्डन, बगीचों में पड़े, दी हिल साइड, मीन्स पहाड़ी की तरफ पड़े, दी कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में पड़े, ऑन दी होल वैली, मीन्स संपूर्ण घाटी में ओले पड़े। अब उसके बाद आगे देखिए, दी फील्ड वॉज व्हाइट, मीन्स खेत सफेद हो चुका था, एज इफ, मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, मानो की वह नमक से ढक गया हो। इस तरह से खेत जो है सफेद हो चुका था, मानो की वह जो है नमक से ढक चुका हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मीन्स अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, मीन्स फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, मीन्स पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। तो भैया ये आपका छोटा सा जो है पहला पैसेज है, ये पहले चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से है और इस पैसेज के आधार पर देखिए कैसे एमसीक्यूज बने हुए हैं। अब उन एमसीक्यूज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज लिखे गए हैं और इस पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला एमसीक्यूज पूछा गया है, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह
जल्दी बंद हो जाए। हियर इट रिफर्स टू, यहां पर इट किसको दिखा रहा है? तो भैया यहां पर इट जो है ओलो को दिखा रहा है ना, कि ओले जल्दी से बंद हो जाए। कभी यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? ओलो की बात कर रहे हैं ना, लेंचो ओलो की बात कर रहा था ना। तो आपका पहला ऑप्शन रेन की बात बिल्कुल नहीं, दूसरा सनलाइट सूर्य के प्रकाश बिल्कुल नहीं, तीसरा सैंड स्टॉर्म मींस तूफानी जो है रेतीले तूफान की बात बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन देखिए आपका दिए हेल स्टोन्स मींस ओले। तो यहां पर ओले की बात हो रही है, इसलिए पहले का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहले के चौथे पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो है एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एमसीक्यूज क्या है। और यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा एमसीक्यूज है, द फील्ड वाज वाइट मींस खेत सफेद हो चुका था, एज इफ मानो की मींस खेत सफेद हो गया था मानो की। तो भैया मानो की जो है नमक की परत से ढक गया हो ना, यही दिया हुआ था ना कि कवर्ड विद सॉल्ट मींस नमक की परत से ढक गया हो, ऐसा सफेद हो गया था। पहला ऑप्शन कवर्ड विद कॉटन कॉटन से ढक गया हो बिल्कुल नहीं, कवर्ड विद मिल्क दूध से ढक गया हो बिल्कुल नहीं, कवर्ड विद मैदा मैदा से ढक गया बिल्कुल नहीं। आपका चौथा ऑप्शन देखिए सही ऑप्शन दिए हुए हैं, कवर्ड विद सॉल्ट मींस नमक से ढक गया हो, मानो कि खेत नमक से ढक गया हो। तो आपका दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के चौथे पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए दूसरे के चौथे पर हमने टिक किए हुए हैं। तो आपका पहला पैसेज कंप्लीट हो गया, और पहला पैसेज पहले चैप्टर के आधार पर था। अब यहां पर देखिए दूसरा पैसेज है, और ये दूसरा पैसेज चैप्टर आपके दूसरे चैप्टर के आधार पर है। दूसरा चैप्टर कौन सा आपके प्रोज का है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से पैसेज है। पहले हम लोग इस दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ मींस इसके एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपका जो है इसका हिंदी अर्थ ध्यान से देखिए, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से, इन दी स्ट्रगल मीन संघर्ष के दौरान, आई लर्न हमने सीखा, दी मीनिंग ऑफ करेज मीन साहस का अर्थ, इन्हीं साथियों की मदद से हमने जो है संघर्ष के दौरान साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, हमने पुरुषों और स्त्रियों को देखा, रिस्क मीन्स खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, और अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा, फॉर एन आइडिया मीन्स एक विचार के लिए, एक विचार के लिए जीवन को बलिदान करते हुए देखा। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, हमने व्यक्तियों को देखा कि आक्रमणों के प्रति खड़े होते हुए व्यक्तियों को देखा, एंड टॉर्चर और प्रताड़ना के खिलाफ खड़े होते हुए देखा, विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बिना टूटे हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती दिखाते हुए, एंड रेजिलेंस लचीलापन दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से पूरी तरह से परे था। आई लर्न हमने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर मीन्स साहस जो है भय का न होना नहीं है, और हमने कि साहस जो है भय का न होना साहस नहीं होता है, बट द ट्राइम्प ओवर इट, उस पर विजय प्राप्त करना साहस होता है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट, वह नहीं होता है बहादुर व्यक्ति, वह व्यक्ति नहीं होता है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत नहीं महसूस करता हो, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो भयभीत न महसूस करता हो, बट ही हु कंक्यूअर्स दैट फियर, लेकिन वह व्यक्ति होता है बहादुर जो उस जो है फियर मीन्स उस डर पर विजय प्राप्त करता हो, कंक्यूअर्स मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, फियर मीन्स हो जाएगा डर, मीन्स बहादुर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो उस डर पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। तो भैया ये हो गया दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन एमसीक्यूज को देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज, और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला एमसीक्यूज है, दी टू ऑथर दी मेन एंड वुमेन रिस्क मींस जो लेखक के अनुसार जो है औरत मींस पुरुष और स्त्रियां रिस्क खतरा मोल लेती हैं, सैक्रिफाइस मींस बलिदान करती हैं, दियर लाइफ फॉर मींस अपने जीवन का, फॉर मींस किस लिए, फॉर एन आइडिया मींस एक विचार के लिए ना, तो यही चीज लिख देंगे। पहला ऑप्शन दी सेक ऑफ फैमिली, परिवार के लिए बिल्कुल नहीं, दी सेक ऑफ एन आइडिया, यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विचार के लिए भी अपने जीवन का जो है बलिदान कर देते हैं और खतरा मोल लेते हैं, तो फॉर एन आइडिया हो जाएगा, या फिर फॉर दी सेक ऑफ आइडिया हो जाएगा। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के दूसरे ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे यहां पर देखिए तीसरा आपका जो दूसरा आपका जो है प्रश्न है, दूसरा एमसीक्यूज है, दी कॉमरेड्स मीन्स साथी ऑफ ऑथर मीन्स लेखक के, मीन्स लेखक के साथ साथी मेड अवेयर अबाउट, उन्हें जो है किसके बारे में अवेयर करते हैं,
तो भैया उन्हीं की वजह से ये जो है साहस का अर्थ सीखे थे ना, तो वही चीज़ हो जाएगा। दी मीनिंग ऑफ स्टारवेशन भूख का अर्थ समझाते हैं, बिल्कुल नहीं। दी मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट सम्मान का जो है अर्थ समझाते हैं, बिल्कुल नहीं। दी मीनिंग ऑफ लव प्रेम का अर्थ समझाते हैं, बिल्कुल नहीं। जो चौथा ऑप्शन दी हुए हैं, दी मीनिंग ऑफ करेज मीन्स इन साथियों की अंसा मंडेला साहस के अर्थ को सीखते हैं, तो आपका दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के चौथे पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। तो भैया ये आपका दूसरा बी पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे पैसेज की तरफ, और तीसरा पैसेज आपका तीसरे चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से होगा। और एक बार सभी प्यारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास 10th के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा मीन्स कल की बोर्ड परीक्षा इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो इसलिए सभी बच्चों में प्यार से पहुंचा देना, क्योंकि आपकी ये महामैराथन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी अंतिम महामैराथन की क्लास, पहली और अंतिम महामैराथन की क्लास है। और दूसरी महामैराथन की क्लास क्यों नहीं होगी, इसके पीछे रीजन आपको जो है क्लास के अंत में बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए प्यार से, आपका पैसेज नंबर 3 है, मीन्स तीसरा पैसेज है। अब पहले हम लोग इस तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो यहां पर आपका पैसेज है, आई गेट एलॉन्ग प्रीटी वेल, मेरी अच्छी बनने लगी थी विथ माई टीचर्स, मीन्स मेरे शिक्षकों से, मेरे शिक्षकों से मेरी अच्छी बननी लगी थी। यहां पर एन फ्रैंक की बात हो रही है, जो डायरी में वह लिखती हैं, देयर आर 9 ऑफ देम, वहां पर 9 शिक्षक थे, 7 मेन, 7 पुरुष थे, एंड 2 वुमेन, और 2 स्त्रियां शिक्षक थी, मिस स्त्री शिक्षक थी। मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी मीन्स पुरानी विचारों वाले, हु टीचेस मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, वाज एनवायड, वह क्रोधित थे, विथ मी मीन्स मुझसे, फॉर एजेस मीन्स वर्षों से, वह मुझसे वर्षों से जो है क्रोधित थे, बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए वे मुझसे वर्षों से क्रोधित थे। After several warnings means कई चेतावनियों के बाद जो है he assigned, उन्होंने जो है मुझे कार्य दे दिया, अतिरिक्त कार्य दे दिया, दी मी एक्स्ट्रा वर्क होमवर्क, मीन्स उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य को दे दिया, मीन्स कई जो है कई चेतावनी के बावजूद उन्होंने मुझे अतिरिक्त कार्य को दे दिया। एंड ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, मुझे एक निबंध लिखना था, और विषय क्या था उसका, चैटर बॉक्स था, मीन्स बातूनी विषय पर हमें निबंध लिखना था। वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, मीन्स आपको अगर बातूनी सब्जेक्ट पे जो है निबंध लिखना हो तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ है। I had worry about that later I decide, हमने निर्णय लिया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। I jotted down the title, हमने शीर्षक को लिख लिया, in my notebook, अपने नोटबुक में, हमने शीर्षक को अपनी नोटबुक में लिख लिया। टग्ड इसे ठूस करके डाल दिया, it in my bag, और इसे मैं हमने ठूस कर अपने बैग में भर लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश किया। तो भैया ये आपका हो गया दूसरा, तीसरा जो है पैसेज हो गया, तीसरा पैसेज हो गया, और तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने लिखे हुए हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज। अब इस पैसेज के आधार पर कौन सी एमसीक्यूज हैं देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, मिस्टर किसिंग टीचेस एनी एंड हर क्लासमेट्स, मिस्टर किसिंग एंड फ्रैंक को और उसकी जो है क्लासमेट्स उसके साथियों को पढ़ाते थे। तो भैया मिस्टर किसिंग क्या पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे ना, मैथ पढ़ाते थे ना, इसमें सीधे दी हुए ना कि मिस्टर किसिंग वो टीचर्स मैथ्स, यहाँ पर देखिए दी हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन फिजिक्स बिल्कुल नहीं, दूसरा केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं, तीसरा बायोलॉजी बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका मैथमेटिक्स दिए हुए हैं, तो आपका पहले का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं दूसरा एमसीक्यूज क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा एमसीक्यूज है, मिस्टर किसिंग वाज इनवाइड विथ हर बिकॉज, मिस्टर किसिंग उससे क्रोधित थे, क्योंकि, क्यों भैया मिस्टर किसिंग क्रोधित थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती थी। तो आपका पहला ऑप्शन सी, मेड हिम एंग्री, वह उसे क्रोधित बना दी थी, बिल्कुल नहीं। दूसरा सी, यूज टू टॉक टू मच, वह बहुत बातें किया करती थी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, मीन्स एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग जो है उससे क्रोधित थे। तो भैया दूसरे का आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका तीसरा जो है ये तीसरा पैसेज भी यहीं पर कंप्लीट हुआ, मीन्स प्रोज का तीसरा पैसेज कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे पैसेज की तरफ, और चौथा पैसेज आपका किस चैप्टर से होगा, आपके सिलेबस का चौथा चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से होगा। और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में जो आपका एक पार्ट है अब एकर फ्रॉम गोवा, तो इस पार्ट से आपका ये जो है चौथा पैसेज होगा। तो पहले हम लोग इस चौथे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर जो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान दी बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। मीन्स बचपन के दौरान गोवा में बचपन के दौरान बेकर हमारे साथी मीन्स दोस्त साथी और जो है मार्गदर्शक हुआ करते थे। अगला आगे देखिए लिखे हुए हैं, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वह जो है दिन में लगभग दो बार आया करते थे। वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वह बेचने के लिए सुबह जो है निकलते थे तब एक बार आते थे, एंड देन अगेन और पुनः आते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब अपनी जो है बड़ी बास्केट को खाली करके लौटते थे तब वे वापस एक बार आते थे। तो ये हो गया चौथे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज बने हुए हैं हम लोग उन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज लिखे गए हैं, और पहला एमसीक्यूज है, द चिल्ड्रेन रिगार्डेड द बेकर एज, बच्चे जो है बेकर को मानते थे, कैसा मानते थे, दियर गाइड अपना मार्गदर्शक मानते थे, दियर फ्रेंड अपना दोस्त मानते थे, दियर कंपेनियन अपना साथी मानते थे। तो भैया तीनों चीज़ को मानते थे ना बच्चे, अपना गाइड भी मानते थे, फ्रेंड भी मानते थे और कंपेनियन भी मानते थे ना। तो आपका जो है ऑल ऑफ दी एबव जो चौथा ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपका चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले के चौथे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो आपका पहले का देखिए चौथा ऑप्शन टिक किए हुए हैं। अब यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दी बेकर रिटर्न्ड मिस बेकर वापस आते थे सेकंड टाइम आफ्टर, मिस दूसरी बार जो है बेकर वापस आते थे तो कब आते थे, इंपटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी जो है बड़ी बास्केट को खाली करके। तो भैया यही आपका सही हो जाएगा ना, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जब जो है आप इंपटिंग कर लेते थे एक बार तो सेलिंग राउंड पे जाते थे तब आते थे, मिस भैया जब बेचने के लिए जाते थे तब आते थे, और दोबारा जब बेच करके खाली हो जाते थे उनका जो है टोकरी पूरी तरह से खाली हो जाती थी तब आते थे। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब अपनी बड़ी बास्केट को खाली कर लेते थे तब आते थे। तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो गया। तो चौथा आपका पैसेज भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे किस पैसेज की तरफ, पांचवें पैसेज की तरफ, देखते हैं पांचवा पैसेज क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा पैसेज है, और ये पांचवा पैसेज आपके सिलेबस के प्रोज के सिलेबस के पांचवें चैप्टर से है, और पांचवा चैप्टर आपका क्या है, मैडम राइड्स दी बस, मैडम राइड्स दी बस से ये आपका पांचवा पैसेज है। जल्दी से हम लोग इस पांचवें पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग, इसके एमसीक्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, हर फेवरेट पास्ट टाइम मींस उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय वाज मींस था, स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होना, वाचिंग देखना, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है इन द स्ट्रीट आउटसाइड मींस बाहर की सड़कों पर, और बाहर की सड़कों पर क्या घटित हो रहा है उसको देखना ही उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय था। दियर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी सड़कों पर जो है उसके साथ का खेलने वाला कोई नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल, यही सब कुछ था सी है टू डू, जो वह कर सकती थी, और यही सब कुछ था जो वह कर सकती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वे, डोर मीन्स सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, वाज एवरी बिट मीन्स प्रत्येक उसका भाग, एज इंजॉयबल उतना ही आनंददायक था, एज एनी ऑफ द एलिबरेट गेम्स, जैसा कि कोई विस्तृत खेल अदर चिल्ड्रेन प्ले जो अन्य बच्चे खेलते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर जो है खड़ी होकर के देखना, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, उसे बहुत सारे असमान अनुभव प्रदान करते थे। मीन्स सड़क पर खड़े होकर के देखना जो है, मीन्स सड़कों पर देखना उसे बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंस देते थे, मीन्स असामान्य जो है अनुभव प्रदान करते थे। तो भैया ये हो गया जो है इस पांचवें पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसके आधार पर पहला एमसीक्यूज है,
हर हियर स्टैंड्स फॉर, यहां पर हर किसको दिखा रहा है? तो भैया वल्ली को दिखा रहा है ना, हर यहां पर किसको दिखा रहा है? वल्ली को दिखा रहा है। हर किसके लिए यूज किया गया? वल्ली के लिए यूज किया गया है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्ली आपका पहला ऑप्शन दिए हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा मनोरंजन का समय वाज मींस था टू स्टैंड इन दी फ्रंट, मींस सामने खड़ा होना। किसके सामने? तो घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना उसका जो सबसे पसंदीदा मनोरंजन का समय था ना। अब देखिए कैसा ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला डूर ऑफ अर रूम, अपने जो है कमरे के जो है बाहर बिल्कुल नहीं, डूर वे ऑफ अर हाउस, अपने घर के दरवाजे के जो है पास में खड़ा होना, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरे के सेकंड पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्याचे, हो गया दो आपका जो है दो एमसीक्यूज कवर हो गया प्याचे, इस पांचवें जो है पैसेज के आधार पर अब हम लोग चलेंगे छठे पैसेज की तरफ, देखते हैं छठा पैसेज क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा पैसेज है और इस छठी पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो पहले हम लोग इस छठे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसका हिंदी अर्थ, ध्यान से देखिए, ही वांडर्ड, वह भटकती, 21 चैप्टर से आपके सिलेबस के छठे चैप्टर से है, और सिलेबस का आपका प्रोज का छठा चैप्टर क्या सा है, द सर्मन एट बनारस से, मींस जो है बनारस में जो है सर्मन दिया गया धार्मिक उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा, वही है द सर्मन एट बनारस से है। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, ही वॉज वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, वेयर ही ओड, जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा लिए टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वहां पर रुकने ठहरने का उन्होंने निर्णय लिए। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ही रीनेम्ड दी ट्री बोधि ट्री, उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, जिसे बुद्धिमत्ता का पेड़ कहते हैं, एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, टू हिज शेयर एंड टू शेयर, और जो है बांटना शुरू कर दिया हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नई समझ को, नए ज्ञान को, और वह नए ज्ञान को जो है बांटना और इसे पढ़ाना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट, उसी समय ही बिकेम नोन एज बुद्धा, वे बुद्ध के नाम से जाने लगे, और उसी समय वे बुद्ध के नाम से जाने लगे। आगे देखिए, और बुद्ध का अर्थ होता है दी अवेकेंड आर दी इनलाइटेंड, मींस जागरूक या जागृत जो है बुद्ध का अर्थ होता है। दी बुद्धा प्रीस्ट हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया, एट दी सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, तो बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया, बनारस शहर में दिया। तो भैया ये हो गया आपका पैसेज नंबर 6 का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उन एमसीक्यूज को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका इस पैसेज के आधार पर पहला एमसीक्यूज है, ही हियर रिफर्स टू, ही यहां पर किसको दिखा रहा है, तो भैया ही यहां पर गौतम बुद्ध को दिखा रहा है ना। यहां पर देखिए ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे, तो यहां पर किसकी बात की गई है, गौतम बुद्ध की बात की गई है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कीसा गौतमी बिल्कुल नहीं, दूसरा आनंद के लिए बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन गौतम बुद्धा दिए हुए हैं, तो आपका पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले के तीसरे पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा जो है प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन, वह अपना पहले धार्मिक उपदेश को दिए थे, तो भैया उन्होंने मींस गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया, पहला ऑप्शन दी सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर शहर में, दी सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, यही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया, बनारस शहर में दिया ना, ऐसा देखिए यहां पर दी हुई है ना कि दी बुद्धा प्रीस्ट हिज फर्स्ट सर्मन एट दी सिटी ऑफ बनारस, तो आपका क्या हो जाएगा, दी सिटी ऑफ बनारस, मींस बनारस शहर में गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया, तो दूसरी का आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है छठा पैसेज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो भैया आपका छठा पैसेज हो गया। अब जो है आपका जो है ये जो बोर्ड परीक्षा में 2 MCQs पूछे जाएंगे प्रोज के आधार पर, वो MCQs इन्हीं 6 पैसेज में से कोई एक पैसेज होगा, और इसी तरह से MCQs पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका टर्म आता है
35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला, और ये 35 एमसीक्यूज किसके आधार पर होंगे, प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर होंगे, और इस 35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 35 जो है एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला कैसे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। नवा पॉइंट देखिए प्रोज के सिलेबस में, देखिए नवा पॉइंट दिए हुए हैं, 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस, मीन्स प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 8वां पॉइंट तो हो गया, जो है नवा पॉइंट आपका यही है, तो मीन्स सभी जो है चैप्टर के आधार पर हमने 35 एमसीक्यूज के लिए हुए हैं, सभी चैप्टर से 5-6 एमसीक्यूज को हमने लिए हुए हैं, और सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए भैया इन्हीं 35 में से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई 3 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। गारंटी भैया जल्दी लेते नहीं है, समझ जाइए, अगर गारंटी ले रहे हैं तो इसमें जो है कुछ स्पेशल होगा, तो भैया जो है यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस 35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला में, पहले एमसीक्यूज पे चलते हैं, और एक बार सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें, जो भी बच्चे जो है कल की बोर्ड परीक्षा इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस, मींस प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था, तो वेयर वाज कहां पर था, लेंचोज हाउस लेंचो का घर सिचुएटेड में स्थित, लेंचो का घर कहां पर स्थित था। पहला प्रश्न, इन अ विलेज, एक गांव में स्थित था, बिल्कुल नहीं, टॉप ऑफ अ लो हिल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स टॉप मीन्स ऊंचाई पर, ऑफ लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी के, निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था ना, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉप ऑफ अ लो हिल हो जाएगा, तो इसलिए पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले की बी पर हम लोग टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो ने किससे तुलना किया, द लार्ज रेन ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बूंदों को, विथ मीन्स किसके साथ, मीन्स वर्षा की बड़ी बूंदों को किसके साथ जो है लेंचो ने तुलना किया, तो भैया नए सिक्कों से उन्होंने तुलना किया हुआ था ना, तो देखिए नए सिक्का वाला ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन बॉल से बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन पल्स मोतियों से बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन डायमंड से बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन देखिए दिए हुए न्यू कॉइंस मीन्स नए सिक्कों से, तो भैया नए सिक्कों से वर्षा की बड़ी बूंदों की इन्होंने तुलना किया हुआ था ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द ओनली होप, कौन सी एकमात्र आशा वाज लिफ्ट बची थी, इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली मींस लेंचो के परिवार के हृदय में, तो भैया लेंचो के परिवार के हृदय में कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद ना, ईश्वर की मदद की ही एकमात्र आशा बची हुई थी ना, तो आप क्या कर दोगे, देखिए कहां पर दिए हुए हैं, कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन बिल्कुल नहीं, हेल्प फ्रॉम गॉड मींस तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर की मदद, उन सभी के हृदय में एक ही आशा बची थी, वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर की मदद, तो आपका तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरे के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, हाउ मच मनी, कितना पैसा डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने मांग किया, लेंचो ने कितने पैसे की मांग किया था, तो भैया 100 पीसोस की मांग लेंचो ने किया हुआ था ना, तो 100 पीसोस किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहले ही ऑप्शन में आपका 100 पीसोस दिए हुए हैं, तो इसलिए चौथे का आपका पहला ही ऑप्शन 100 पीसोस का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा जो है एमसीक्यूज है, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो क्या सोच रहा था, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मींस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में, लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहा था, तो भैया उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स सोच रहा था ना, उन्हें बेईमानों का झुंड समझ रहा था ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बंच ऑफ क्रुक्स हो जाएगा, मींस पांचवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पांचवें के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, बंच ऑफ क्रुक्स पर टिक कर देंगे। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डॉट डॉट गवर्नमेंट, यह जो है साउथ अफ्रीका में पहली कैसी जो है सरकार का सेलिब्रेशन था, मींस उत्साह का समय था, तो भैया
जो है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसियल मींस प्रजातांत्रिक, नॉन रेसियल मींस कोई जात भेद का अंतर नहीं था। तो आपका बी वाला ऑप्शन दिए हैं डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल, तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे के बी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, Whom did Mandela want to thank? किसे मंडेला धन्यवाद देना चाहते थे but could not, लेकिन दे नहीं सके। तो भैया मंडेला जो है अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स को धन्यवाद देना चाहते थे ना, मीन्स अफ्रीकन देशभक्तों को जो है धन्यवाद देना चाहते थे जो उनके साथ संघर्ष किए थे, लेकिन जो है जिस समय वे प्रेसिडेंट बने जो है उस समय जो है सभी लोग मर चुके थे, तो भैया उनको धन्यवाद देना चाहते थे ना। तो देखिए ऑप्शन में कहां दिए थे, हिज फैमिली, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स, यहां पर देखिए बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं सही ऑप्शन, अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स को धन्यवाद देना चाहते थे, मीन्स अफ्रीका के देशभक्तों को धन्यवाद देना चाहते थे जो उस समय नहीं थे, तो सातवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं के बी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मींस किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, मींस मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। तो भैया उसके लोग होते हैं ना, मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी जो है राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। तो यहां पर देखिए पहला मिनरल्स होता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा जेम्स होता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा डायमंड्स होता है, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन डी में पीपल मींस उसके लोग होते हैं, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आठवीं के डी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए आठवीं के डी वाले ऑप्शन पर हमने टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या होगा, क्या है। तो यहां पर देखिए नवा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली, कौन सी जो है चीज अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आती है टू हर्ट, हृदय में, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार हृदय में कौन सी चीज बहुत अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आती है। पहला हेटेड, नफरत, बिल्कुल नहीं। दूसरा यूनिटी, एकता, बिल्कुल नहीं। तीसरा आपका लव, लव मीन्स व्यर्थी, प्रेम बहुत अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आ जाता है। तो इसे नवी का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो नवी के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं दसवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दसवां प्रश्न है, Who according to Mandela, मंडेला के अनुसार कौन is not free, कौन स्वतंत्र नहीं है, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। पहला ऑपरेशन मींस अत्याचारी नहीं स्वतंत्र है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्रेस्ड, जिन पे दमन किया गया है वे नहीं स्वतंत्र, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मींस ए और बी दोनों, तो भैया ए आपका, ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा, मींस ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड, ये दोनों जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं मंडेला के अनुसार। तो आपका दसवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला। तो दसवें के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं ग्यारहवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने ग्यारहवां प्रश्न है, व्हाट वाज द टॉपिक, क्या विषय था ऑफ द एसे, मींस निबंध का, रिटन बाय एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था, मींस जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था उस जो है उसका विषय क्या था। तो भैया चैटर बॉक्स था ना, बातू नहीं उसका विषय था ना। तो देखिए आपका पहला माई डायरी था, बिल्कुल नहीं। दूसरा अ लेटर बॉक्स, बिल्कुल नहीं। चैटर बॉक्स क्या था, बातू नहीं, चैटर बॉक्स था। तो आपका इग्रामी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इग्रामी के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए इग्रामी के सी पर हमने टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं बारहवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं बारहवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने बारहवां प्रश्न है, Who is Annie's long awaited friend? कौन जो है एनी का बहुत लंबे समय से इंतजार किया हुआ दोस्त है। तो भैया उनकी डायरी जो है बहुत लंबे समय से इंतजार की गई दोस्त है ना। पहला हर पेन, उनकी पेन बिल्कुल नहीं। दूसरा हर कैट, उनकी बिल्ली बिल्कुल नहीं। तीसरा हर डायरी, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बारहवीं की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बारहवीं की सी पर यहाँ पर देखिए हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तेरहवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं तेरहवां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तेरहवां प्रश्न है, विच सिटी, कौन सा शहर, वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव, मींस एन और मार्गोट को भेजा गया था रहने के लिए, विथ देयर ग्रैंड मदर, मींस दादी माँ के साथ, मींस जो है किस शहर में जो है एन फ्रैंक और मार्गोट को दादी माँ के साथ जो है रहने के लिए भेजा गया था। पहला बर्लिन में, बिल्कुल नहीं। दूसरा आचिन प्यारची, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो एन फ्रैंक और मार्गरेट को दादी माँ के साथ आचन में रहने के लिए भेज दिया गया था। तो आपका तेरहवें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेरहवें के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं चौदहवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौदहवां प्रश्न क्या है।
यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, हु वाज दी ओनली सर्वाइवर, कौन एकमात्र जीवित व्यक्ति था फ्रॉम एनी फैमिली मींस एन फ्रैंक के परिवार में, एन फ्रैंक के परिवार में कौन एकमात्र जीवित व्यक्ति था, तो भैया उनके पिता ही एकमात्र जीवित बचे हुए थे ना, बाकी सभी कंसंट्रेशन कैंप में गए हुए थे और सभी की मृत्यु हो गई थी, केवल बच्चा कौन था, एन फ्रैंक के पिता बचे थे। तो पहला ऑप्शन एन फ्रैंक बची थी बिल्कुल नहीं, दूसरा एनीज फादर मींस एन फ्रैंक के पिता, यही सही ऑप्शन होगा, तो इसलिए 14वीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 14वीं की बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, उनकी किताब किस नाम से प्रकाशित हुई, तो भैया जो एन फ्रैंक की किताब किस नाम से प्रकाशित हुई थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई थी ना। अब देखिए कहां पर ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बिल्कुल नहीं, दूसरा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से प्रकाशित हुई थी, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए 15 की बी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। तो भैया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना, अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से दबा करके जो है बढ़िया से लाइक कर दीजिए और सभी क्लास 10 के हर एक बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 16वां प्रश्न है, द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी, चाय और चीनी जैसे शब्द आर डेराइव्ड फ्रॉम, लिए गए हैं, चाय और चीनी जैसे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इंडिया भारत से, दूसरा फ्रांस फ्रांस से, तीसरा चाइना से, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स 16वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाइना से, मीन्स चाय और चीनी जैसे शब्द चाइना से लिए गए हैं, तो आपका 16वें का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं जो है 17वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है, डॉट 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 वाज कॉल्ड कबाई, किसे कबाई कहा जाता था, तो भैया बेकर्स के ड्रेस को कबाई बोला जाता था ना, तो पहला ऑप्शन बेकर्स ड्रेस, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकर्स के ड्रेस को कबाई बोला जाता था, तो इसलिए 17वीं का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर 18वां प्रश्न है, द बेकर वाज आल्सो द ईयर, बेकर उनके हुआ करते थे, पहला फ्रेंड हुआ करते थे ये भी सही, दूसरा गाइड मार्गदर्शक हुआ करते थे ये भी सही, तीसरा जो है कंपेनियन हुआ करते थे ये भी सही, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव मींस सभी आपका, तो भैया 18 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव वाला मींस ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है, व्हाट आर दी बेकर्स नोन एज, बेकर्स किस नाम से जाने जाते थे इन गोवा, मींस गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते थे, पहला पेडर नाम से, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तो भैया गोवा में बेकर्स पेडर नाम से जाने जाते हैं, तो आपका सिंपल हो जाएगा, पेडर हो जाएगा। अगला है पुर्तगीज बिल्कुल नहीं, पेकर बिल्कुल नहीं, बेकर बिल्कुल नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, पेडर, मींस गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर नाम से जाने जाते हैं, तो आपका 19वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 19वें के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। यहां पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है, कुर्ग इज अ डॉट डॉट कंट्री, कुर्ग कैसा देश है, कॉफी कंट्री है ना, तो सिंपल से हम कर देंगे कॉफी कंट्री कर देंगे, पहला ऑप्शन टी कंट्री बिल्कुल नहीं, दूसरा ब्रेड कंट्री बिल्कुल नहीं, तीसरा कॉफी कंट्री, आपका यही सही हो जाएगा, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री हो जाएगा, तो आपका 20वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 20वें के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 21वां प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, वन फाइन स्प्रिंग डे, मींस एक सुनहरे दिन, एक जो है सुनहरे स्प्रिंग के दिन वल्ली ने क्या किया, तो भैया जो है वो शहर के लिए बस पकड़ी हुई थी ना, यही उसने किया हुआ था ना, कि शहर के लिए बस पकड़ी हुई थी सुनहरे दिन, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट दी बस टू दी टाउन, भैया पहला ही ऑप्शन सही हो गया, कॉट दी बस, बस को पकड़ा टू दी टाउन, मीन शहर के लिए, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन दो तीन जो ऑप्शन दिए उसको भी देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन कॉट दी बस टू दी विलेज, गाँव के लिए बस पकड़ी बिल्कुल नहीं, कॉट दी कार टू दी टाउन, शहर के लिए जो है कार को पकड़ी बिल्कुल नहीं, कॉट दी कार टू दी विलेज, गाँव के लिए कार पकड़ी बिल्कुल नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन 21वें का पहला कॉट दी बस टू दी टाउन वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने 22वां प्रश्न है, व्हाट सैडेंड वल्ली, वल्ली को कौन सी चीज ने दुखी कर दिया, तो भैया जो उसने डेड काऊ देखा हुआ था रास्ते में, वही चीज उसे जो है दुखी कर दी थी ना आते समय, तो आपका पहला ऑप्शन दी डेड काऊ दिए हुए हैं, तो आपका डेड काऊ हो जाएगा, तो 22वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए 23वां प्रश्न है,
वाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, कौन सी चीज जो है उसी यात्रा के दौरान हंसने के लिए मजबूर किया। तो भैया जो है सामने जो है गाय जो है दौड़ती गाय चल रही थी, उसी को देख करके वह हंस रही थी ना, तो वही आपका हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिए दी ओल्ड वुमेन्स इयर रिंग्स, बिल्कुल नहीं। दी साइट ऑफ रनिंग काउ, ये भी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मीन्स दौड़ती हुई गाय का जो दृश्य था उसी चीज ने उसे हंसने के लिए मजबूर कर दिया हुआ था ना, तो आपका 23वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 24वां प्रश्न है, हाउ डिड सी पिकअप स्मॉल डिटेल्स, कैसे उसने छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा किया अबाउट दी बस जर्नी, मीन्स बस की यात्रा के बारे में, बस की यात्रा के बारे में कैसे उसने छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा किया। तो भैया पहला ऑप्शन लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों की वार्तालाप को सुनकर के, ए भी सही ऑप्शन है। दूसरा आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ करके, ए भी सही है। ऑल ऑफ दी एबव मींस ये तीनों, नन ऑफ दी एबव मींस इनमें से कोई नहीं, तो भैया आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव मींस ए आपका जो ए और बी वाला ऑप्शन दिए हैं दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24वें का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है, व्हाट वाज बल्लीज एज, वल्ली की अवस्था कितनी थी। तो भैया वल्ली 8 वर्ष की थी ना, तो आपका क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 8 इयर्स सही हो जाएगा। तो वल्ली की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी, तो व्हाट वाज वल्लीज एज 8 इयर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 26वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 26वां प्रश्न है, व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम, गौतम बुद्ध के शुरुआती नाम क्या थे। तो भैया पहला सीधा था, दूसरा साधु था, तीसरा सिद्धार्थ था, चौथा सिद्धार्थ। तो भैया आपका सी वाला ऑप्शन जो सिद्धार्थ दिए हुए यही आपका सही ऑप्शन है, और चौथा भी सिद्धार्थ दिए लेकिन स्पेलिंग सही नहीं है, तो आपका जो है 26वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26वें के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई है, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी अंतिम महामैराथन की क्लास है, पहली और अंतिम महामैराथन की क्लास है, और रिविजन सीरीज की आप सभी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। इस चीज को बार बार आपको कह रहे हैं कि रिविजन सीरीज की कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया अभी जो 12th की 24 फरवरी को बोर्ड परीक्षा हुई, इसमें रिवीजन सीरीज से 70 से 80% बोर्ड परीक्षा में पेपर मैच किए थे, ठीक है। तो इसलिए आप महत्व के समझना, रिवीजन सीरीज की क्लेसी क्लास को छोड़ना नहीं। अब यहां पर देखिए आपके सामने 27वां प्रश्न है, व्हाट डिड बुद्धा नेम दी ट्री, बुद्ध ने जो है पेड़ का नाम क्या रखा। वेयर ही गॉट इनलाइटमेंट, जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। तो भैया उन्होंने पेड़ का नाम क्या रखा था, बोधि ट्री रखा हुआ था ना, तो आपका बोधि ट्री किस ऑप्शन में दिए, पहले ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका हो जाएगा बोधि ट्री पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 28वां प्रश्न है, विच सीड डिड बुद्धा आस्क, किस बीज के लिए बुद्धा ने कहा। आस्क टू कीसा मीन्स कीसा से, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, मीन्स जो है किसके बीज को कीसा से जो है बुद्ध ने लाने के लिए कहा। पहला पंपकिन सीड्स, बिल्कुल नहीं। मस्टर्ड सीड्स मीन्स सरसों का बीज, यही आपका जो है 28वां का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि बुद्ध ने जो है सरसों के बीज को लाने के लिए कहा था, मस्टर्ड सीड्स हो जाएगा। आगे 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 29वां प्रश्न है, व्हाट डिड बुद्धा टेल, बुद्धा ने क्या बताया हर अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, उसे बुद्धा ने जीवन के बारे में क्या बताया। पहला ऑप्शन इट इज ट्रबल, यह दुखों से भरा, बिल्कुल सही है। इट इज ब्रीफ, यह संक्षिप्त होता है, जीवन संक्षिप्त होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कंबाइंड विद पेन, दर्द से जो है जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव मींस, ऊपर जो तीन ऑप्शन दिए हैं तीनों ऑप्शन सही है, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव वाला, मीन्स 29वां का डी सही हो गया, ऑल ऑफ दी एबव का। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 30वां प्रश्न है, इन विच सिटी, किस शहर में डिड बुद्धा डिलीवर, बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सर्मन मीन्स अपने पहले धार्मिक उपदेश को, मीन्स किस शहर में बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। पहला पटना शहर में, बिल्कुल नहीं। दूसरा बनारस शहर में, यही आपका सही ऑप्शन होगा, मीन्स 30वें का जो है बी वाला ऑप्शन बनारस आपका सही होगा। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 31वां प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली ने क्या इच्छा किया। पहला बस राइड की,
तो भैया ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन पहला ही मिल गया बस राइड की। वल्ली की इच्छा क्या थी? बस राइड की थी ना, तो आपका पहला ऑप्शन जो है बस राइड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 32वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 32वां प्रश्न है, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहां पर पढ़ते थे? तो भैया ये दोनों लोग दिल्ली में पढ़ते थे, राजवीर और प्रांजल ना, तो आपका हो जाएगा दिल्ली वाला ऑप्शन कहां पर दिए, डी वाला ऑप्शन दिल्ली दिए हुए हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पहला असम है बिल्कुल नहीं, दूसरा कुर्ग बिल्कुल नहीं, तीसरा गोवा बिल्कुल नहीं, आपका दिल्ली सही हो जाएगा। राजवीर और प्रांजल कहां पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे। आगे बढ़ते 33वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए 33वां प्रश्न है, व्हाई डस इन वांट टू कीप अ डायरी, एन जो है डायरी को क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि भैया उनके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं था, कोई नजदीकी दोस्त नहीं था, घनिष्ठ मित्र नहीं था जिससे वह बातों को शेयर कर सके, इसलिए लिखना चाहती थी। देखिए आपका जो है पहला ऑप्शन दिए हैं, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उनका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स 33वां का आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 के ए पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 33 के ए पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 34वां प्रश्न है, हाउ डज एन एक्सप्लेन, कैसे एन व्याख्या करती हैं हर फादर मीन्स अपने पिता की। तो भैया अपने पिता की एन फ्रैंक कैसे व्याख्या करती हैं, क्या कहती हैं? मोस्ट एडोरेबल फादर कहती है ना, मीन्स सबसे अधिक प्रेम करने वाली पिता कहती है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्ट एडोरेबल फादर मीन्स सबसे अधिक प्रेम करने वाला पिता कह करके उन्हें संबोधित करती हैं, कहती हैं। तो आपका 34 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 के ए पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ, देखते हैं 35वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 35वां प्रश्न है, What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? Means ये आपका पहले चैप्टर से हो गया, letter to God से है कि what else did the reply demand, means जो है रिप्लाई देने के लिए किस अन्य चीज़ की आवश्यकता थी, apart means के अलावा, goodwill means अच्छा कहने के, ink स्याही और paper के अलावा, ink means स्याही paper और अच्छा कहने के अलावा उत्तर देने के लिए किस अन्य चीज़ की आवश्यकता थी? तो भैया पैसे की आवश्यकता थी ना, क्योंकि इसमें जो है लंचों ने 100 पीसोस की मांग किया हुआ था ना, तो मनी हो जाएगा पहला। लास्ट क्रॉप मीन्स कोई फसल की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। मनी बी वाला ऑप्शन आपका मनी दिए हुए हैं, ये आपका मनी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सब के अलावा उत्तर देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए 35 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 35 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे यहाँ पर जैसे टिक किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको 35 एमसीक्यूज करा दिए प्रोज के आधार पर, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे प्रोज के आधार पे हमने सभी आपको करा दिए, और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया आपके सिलेबस का जो है अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, अभी तक आपके सिलेबस का अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज के आधार पे एमसीक्यूज हो गया, और उसके बाद आपका जो है 5 नंबर का जो ग्रामर के आधार पर अनसीन पैसेज था वो भी हो गया, और उसके बाद जो है प्रोज के आधार पर जो पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज थे वो भी हो गए, और जो है प्रोज के आधार पर जो सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज थे वो भी हो गए। अब हम लोग चलेंगे पोएट्री वाले सेक्शन में चलेंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ बेहतरीन लाइन क्या है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे सेशन आपका बढ़ेगा किसके साथ, जो है पोएट्री वाले सेक्शन के साथ आगे सेशन बढ़ेगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, 10 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के चलेंगे, और 10 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला बच्चे होगा जो जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, और इस 10 जो है महत्वपूर्ण स्टैंजा की श्रृंखला आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के भी हो जाएंगे। काहे को 2 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि यहां पर सिलेबस देखिए पोएट्री वाले सेक्शन का सिलेबस लिखे हुए हैं, और यहां पर सिलेबस में देखिए लिखे हुए हैं 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया अब हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, मींस पोएट्री के 10 स्टैंजा को कवर करेंगे, और जल्दी जल्दी से हम लोग इसे कवर
करते हैं। छोटी छोटी सी पोएम है, जल्दी से कवर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट या फिर इससे भी कम समय 15 से 20 मिनट इसे कवर करने में लगेगा। मीन्स 2 घंटा 2.5 घंटे से पहले ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 2 घंटा 10-15 मिनट की क्लास होगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जल्दी ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 1 घंटा 21 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा की और क्लास बची है, मतलब 2 घंटा 10 या 12 मिनट की क्लास होगी, इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए आपका पहला स्टंजा है, दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। छोटा सा आपका पहली पोयम का स्टंजा है, और पहली पोयम आपकी कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो है। तो इस डस्ट ऑफ स्नो की इस छोटी सी पोयम का आपका पहला स्टंजा है। तो पहले हम लोग इस स्टंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर जो एमसीक्यूज है उसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अर्थ होगा, दी वे मीन्स जिस तरीके से, अ क्रो मीन्स एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर हिलाया, the dust of snow means बर्फ के टुकड़े को, from a hemlock tree means एक जो धतूरे के वृक्ष से, hemlock means हो जाएगा धतूरा, means जिस तरीके से धतूरे के वृक्ष से एक जो है कौवा हमारे ऊपर जो है बर्फ के टुकड़े को गिराया। बस यही इसका हिंदी अर्थ है। इसका पूरा अर्थ क्लियर होता अगले जो है स्टंजा में, और अगला स्टंजा भी लिए हुए हैं, उससे अगले स्टंजा में आपको पूरा अर्थ क्लियर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना अर्थ है, जिस तरीके से एक कौवा ने हेमलॉक के वृक्ष से, मीन्स धतूरे के वृक्ष से हमारे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिराया, बस इतना ही है। आगे यहां पर देखिए इसके आधार पे कौन सी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। पहला एमसीक्यूज है, अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे वाज दी पोएट स्टैंडिंग, कभी खड़ा था, तो भैया किस वृक्ष के नीचे खड़ा था, तो हेमलॉक ट्री दी है ना, तभी तो हेमलॉक ट्री के नीचे जो है खड़ा हुआ था, तभी तो वहां पर बर्फ के टुकड़े इसके ऊपर गिरते हैं, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री हो जाएगा। पहला नीम का पेड़ बिल्कुल नहीं, दूसरा मैंगो बिल्कुल नहीं, तीसरा देखिए आपका सही ऑप्शन दिए हैं, हेमलॉक ट्री मीन्स जो है धतूरे का वृक्ष, तो आपका हेमलॉक ट्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का सी वाला मीन्स तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, पॉइंट आउट दी राइमिंग वर्ड्स, मीन्स जो है राइमिंग वर्ड्स को खोजिए इन दी स्टेंजा, मीन्स इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड को खोजना है। तो भैया पहला दी एंड सुक, ये नहीं बिल्कुल राइम नहीं हो रहा है, क्रो एंड स्नो यही आपका राइमिंग वर्ड है। राइमिंग मीन्स होता तुकबंदी शब्द, तुकबंदी मीन्स होता जो एक दूसरे से मिलते हो। अब देखिए क्रो और स्नो मिल रहा है ना, लास्ट में इसमें ओडब्ल्यू है और इसमें भी ओडब्ल्यू है, क्रो स्नो, तो दोनों तुकबंदी बन रही है ना, तो आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो मीन्स दूसरे का दूसरा सही हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन देखोगे कि किसी की भी तुकबंदी नहीं बन रही है, तो आपका दूसरे का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे स्टंजा के आधार पर, पहले स्टंजा के आधार पर दो एमसीक्यूज हो गए, अब हम लोग चलेंगे दूसरे स्टंजा पर। इसी तरह से 10 स्टंजा आपको जल्दी जल्दी से कराएंगे, छोटे छोटे स्टंजा है, पोएम के स्टंजा कितने बड़े होते हैं, छोटे से होते हैं, तो भैया एकदम प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से होते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा स्टंजा है, और अब इस दूसरे स्टंजा का जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज को कवर करते हैं। अब यहां पर देखिए पूरा अर्थ क्लियर होगा, हैज गिवन माय हार्ट, इसने मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में इसने परिवर्तन ला दिया, मीन्स जो हमारे ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा हुआ है इसने हमारी मनोदशा में परिवर्तन ला दिया, एंड सेव्ड, और बचा लिया सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ द डे, मीन्स दिन की, आई हैड रूट, जो मेरा बर्बाद होने वाला था, मेरा जो दिन का कुछ भाग बर्बाद होने वाला था उसके कुछ भाग को इसने क्या कर लिया, बचा लिया, मीन्स जो हमारे ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा, जो हम दुखी थे अब जो है हमारी मनोदशा चेंज हो गई, मीन्स अब हम प्रसन्न हो गए हैं, और ये जो हमारा दिन का कुछ भाग था बर्बाद होने वाला था उसे इसने बचा लिया। तो ये हो जाएगा इस चार लाइन का अर्थ, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मीन्स मेरे मनोदशा में इसने परिवर्तन ला दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया, I had dude, जो मेरा बर्बाद होने वाला था। तो भैया ये दूसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ, अब इसके आधार पे जो MCQs हैं उन MCQs को जल्दी से कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो है पहला MCQs है, Who composed the above lines? इन एबव लाइंस मीन्स ऊपर दी गई लाइंस को किसने कंपोज किया गया है, तो भैया पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इससे पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका पहले का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा हुआ है, ये आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, कवि ने क्या बचाया,
तो भैया कभी ने दिन के कुछ भाग को बचा लिया ना जो उसका बर्बाद होने वाला था। देखिए पहला ऑप्शन सम पार्ट ऑफ दी डे, दिन के कुछ भाग को बचा लिया, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कभी ने क्या बचाया, दिन के कुछ भाग को बचा लिया जो उसका बर्बाद होने वाला था, तो आपका दूसरी का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य तीन ऑप्शन को हम देखेंगे भी नहीं, देख लीजिए। अच्छा, सम ने कुछ पैसे बचाए बिल्कुल नहीं, सम पोएट्री कुछ पोएट्री बचाया बिल्कुल नहीं, सम पार्ट ऑफ बुक बुक के कुछ भाग को बचाया बिल्कुल नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो गया और दूसरा स्टंजा भी यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्टंजा की तरफ, देखते हैं तीसरा स्टंजा क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा स्टंजा है और ये तीसरा स्टंजा आपकी दूसरी पोयम से है और दूसरी पोयम क्या है, फायर एंड आइस से है। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास टेंथ के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। तो जल्दी से पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद जो है इसके जो है हम लोग जो है एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए जो है इसका हिंदी अर्थ होगा, सम से कुछ लोग कहते हैं दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो हमने इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनका साथ देता हूँ, हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि अग्नि से जो है संसार साथ दे जो है समाप्त होगा। मीन्स जो है जो हमने जो है इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है, उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस संसार का अंत जो है फायर से होगा, मीन्स आग से होगा। तो ये आपका हिंदी अर्थ हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। सम्स ये दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। सम्स ये इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, और डिजायर मींस इच्छा के बारे में, लेकिन जो हमने इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनसे सहमत हूं, हु फेवर फायर, जो कहते हैं अग्नि से संसार समाप्त होगा। तो मींस यहां पर डिजायर किसका प्रतीक है, आग का प्रतीक है, फायर का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आधार पर कौन सी स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए उसे देखते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, फ्रॉम विच पोएम, किस पोएम से दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इस ए लाइन ली गई है। तो भैया पोएम का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस हो जाएगा। ए लाइन्स किस पोएम की है, फायर एंड आइस की है, तो आपका फायर एंड आइस हो जाएगा। पहली पोएम देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए दिए हुए फायर एंड आइस, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा एमसीक्यूज है, द पोएट्स ओपिनियन इज दैट, कवि के विचार हैं कि, पहला The world will end in ice, कि संसार बर्फ से समाप्त होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा The world will end in fire, कवि का विचार है कि संसार आग से समाप्त होगा, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए ना कि The world will end in fire, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है सी और डी भी जो है कोई फालतू ऑप्शन दिए होंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपका दूसरे का बी वाला ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये हो गया आपका तीसरा जो है स्टंजा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे स्टंजा पर। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा स्टंजा है, पहले हम लोग इस स्टंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी जो है ये एमसीक्यू उसको कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसका हिंदी अर्थ, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, यहाँ पर बाघ की बात की जा रही, टाइगर की बात की जा रही, क्योंकि दी टाइगर वाले चैप्टर से ये है, मीन्स अ टाइगर इन दी जू वाले चैप्टर से है। तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह जो है गुर्रा रहा होगा, अराउंड हाउसेस, मीन्स घरों के चारों तरफ, वह घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। एट दी जंगल एज, मीन्स जंगल के किनारे से, वह जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेराइजिंग दी विलेज, और गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। तो भैया ये हो गया इस चौथे स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला एमसीक्यूज है, ही हियर रिफर्स टू, ही यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो भैया टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पर दिए ना, ही शुड बी स्नॉलिंग, वह जो है गुर्रा रहा होगा। तो भैया यहाँ पर ही मीन्स किसकी बात हो रही है, टाइगर की बात की जा रही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका टाइगर दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका पहले का पहला आपका सही हो जाएगा। तो पहले के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, वेयर डज द टाइगर स्नॉल अराउंड, मींस जो है बाघ किसके चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। तो भैया घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा ना, पहला ऑप्शन वुड्स जंगल के चारों तरफ बिल्कुल नहीं, दूसरा फॉरेस्ट जंगल के ए भी नहीं, हाउसेस घरों के, ये आपका सही हो जाएगा। तो भैया दो का सी वाला आपका सही हो जाएगा, घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा।
तो टू का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो दो के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो ए आपका जो है दो का सी वाला सही हो जाएगा। तो भैया आपका जो है पहले का पहला सही हो गया और दो का सी वाला सही हो गया। तो इस तरह से आपका जो है स्टेंजा फोर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे पांचवे स्टेंजा की तरफ, देखते हैं पांचवा स्टेंजा क्या है। तो जल्दी से पहले पांचवे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा स्टेंजा है और पांचवे स्टेंजा का पहले हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी एमसीक्यूज को देखेंगे। पांचवा स्टेंजा आपका अमेंडा वाले पोएम से है और क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा तुम अपनी गृह कार्य को पूरा कर चुकी हो। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुम अपने कमरे की सफाई कर चुकी हो। अमेंडा क्या तुमने अपनी कमरे की सफाई कर चुकी हो। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मैंने तुमसे अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा हुआ था। अमेंडा मीन्स अमेंडा की माँ यहाँ कह रही कि मैंने जो है मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा हुआ था। तो भैया ये जो है इस तीन लाइन का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज हैं उन्हीं एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला एमसीक्यूज है, आई हियर रिफर्स टू, आई यहाँ पर दिखा किसको दिखा रहा है। तो भैया यहाँ पर देखिए दी ना, आई थॉट मैं सोचती हूँ, तो भैया अमेंडा की माँ कह रही है ना, तो इस चीज को देखिए यहाँ पर लिख देना है। पहला अमेंडा को रिफर करा है, बिल्कुल नहीं। दूसरा अमेंडाज फ्रेंड, अमेंडा के दोस्त को रिफर करा है, बिल्कुल नहीं। तीसरा अमेंडाज मदर मीन्स अमेंडा की माँ को रिफर कर रहा है, बिल्कुल यही आपका सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसलिए पहले की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, सी इज बी इंस्ट्रक्टेड टू, उसे दिशा निर्देशित किया गया है किस लिए। क्लीन हर रूम, अपने कमरे की सफाई के लिए, बिल्कुल सही है। क्लीन हर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को साफ करने के लिए, बिल्कुल नहीं। वॉश दी ड्रेस, ड्रेस को साफ करने के लिए। लिट दी कैंडल, कैंडल को जलाने, बिल्कुल नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीन हर रूम मींस अपने कमरे की सफाई के लिए उसे कहा गया है। तो इसलिए दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और क्लीन हर रूम वाला कॉन्सेप्ट कहां है, यहां पर देखिए डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई किया हुआ। टाइडी मींस होता है साफ करना और यहां साफ करने के लिए क्लीन शब्द का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है। तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो गया और ये आपका जो है पांचवा स्टेंजा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे स्टेंजा की तरफ, देखते हैं छठा स्टेंजा क्या है और जो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका छठा स्टेंजा है और ये छठा स्टेंजा एनिमल्स पोएम से है, जो आपकी एनिमल्स पोएम है उस पोएम से आपका छठा स्टेंजा है। पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो दो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। देखिए आपका इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दे डू नॉट सीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं एंड वाइन और रिरियाते नहीं है अबाउट दियर कंडीशन मीन्स अपनी स्थिति के बारे में। तो यहाँ एनिमल्स की बात करिए, जानवरों की बात की जा रही है कि जानवर जो है पसीना नहीं बहाते हैं और अपनी स्थिति के बारे में रिरियाते नहीं है अर्थात रोते नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन दी डार्क, वह जो है रात्रि में ज्यादा देर तक जगे नहीं होते हैं एंड वी फॉर दियर सिंस और अपने पापों के लिए रोते नहीं है। They do not make the me seek, वह जो है मुझे उबाते नहीं है। Discussing their duty to God, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बात करके वे हमें उबाते नहीं है। तो ये आपका हो गया छठे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो MCQs पूछे गए हैं उन MCQs को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है MCQs का, पहला प्रश्न है Who weep, कौन रोता है फॉर दियर सिंस, अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए कौन रोता है। पहला एनिमल्स जानवर रोते हैं, बिल्कुल जो है आपका नहीं होगा। दूसरा बर्ड्स चिड़िया रोती हैं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव रोते हैं, तभी तो जो है यहाँ पर मानव से तुलना किया गया ना, एक एनिमल्स नहीं रोते हैं मानव रोते हैं, तो ये ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले के सी पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर है, हु आर दे इन दीज लाइन्स, इस लाइन में दे कौन है। तो भैया दे यहाँ पर एनिमल्स की बात किया गया है ना, दे जो है यहाँ पर देखिए क्या दिए हुए हैं, दे डू नॉट सीट, पसीना नहीं बहाते वाइन और रिरियाते नहीं है अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में। तो एनिमल्स की बात किया गया है ना, तो दे किसको दिखा रहा है, एनिमल्स को दिखा रहा है। तो सिंपल से लिख देंगे पहला ऑप्शन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल नहीं। बी वाला ऑप्शन आपका एनिमल्स दिए हुए हैं, तो आपका दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एनिमल्स पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया ये आपका दोनों प्रश्न इस जो है स्टेंजा के आधार पर हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे सातवें स्टेंजा की तरफ, देखते हैं सातवां स्टेंजा क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने सातवां स्टेंजा है और ये सातवां स्टेंजा दी ट्रीज वाले चैप्टर से है, दी ट्रीज वाले पोएम से है। तो इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं,
ऑल नाइट मीन्स पूरे रात्रि, दी रूट्स वर्क जड़े कार्य करती हैं, पूरे रात्रि जड़े कार्य करती हैं, डिस एंगेज मुक्त करने के लिए देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स मीन्स चट्टानों से, मीन्स दरारों से मुक्त करने के लिए पूरी रात्रि जो है ये जो है जड़े काम करती हैं, इन दी बरामदा फ्लोर मीन्स बरामदा के फर्श पर, बरामदा की फर्श पर जो है अपनी आप को जो है मुक्त करने के लिए, किससे जो है दरारों से मुक्त करने के लिए पूरी रात्रि जड़े कार्य करती हैं। तो भैया ये हो गया स्टेंजा नंबर 7 का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज हैं उसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहला एमसीक्यूज है, दी क्रैक्स मींस दरारें हैव अपीयर्ड ऑन, कहां पर अपीयर हुई हैं, मींस जो है कहां पर आई हुई हैं। तो जाहिर सी बात है बरामदा की फर्श की बात की जा रही है, क्योंकि लास्ट में देखिए यूज किए हैं इन दी बरामदा फ्लोर, तो आपका बरामदा फ्लोर हो जाएगा। देखिए आपका दी सीलिंग बिल्कुल नहीं, दी फ्लावर्स पॉट्स बिल्कुल नहीं, दी रूफ बिल्कुल नहीं, आपका बरामदा फ्लोर आपका दिए हैं। तो पहले के डी वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, दी वर्ड डिसएंगेज मीन्स, शब्द डिसएंगेज का मतलब क्या है। तो भैया डिसएंगेज मीन्स हमने बताया ना, मुक्त करना, अपने आप को मुक्त करने के लिए, तो मीन्स छुड़ाना, सेपरेट करना, तो वही हो जाएगा पहला कंबाइंड बिल्कुल नहीं, दूसरा सेपरेट दिए हुए हैं, तो आपका दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेपरेट पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो सेपरेट पर यहाँ पर देखिए हमने टिक कर दिए हुए हैं, तो आपका दूसरे का बी वाला सही हो गया। ये भैया आपका जो है ये आपका था जो है 7वां जो है स्टेंजा था। अब हम लोग बढ़ेंगे 8वीं स्टेंजा की तरफ, देखते हैं 8वां स्टेंजा क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वां स्टेंजा है, और ये आपका 8वां स्टेंजा फाग वाली पोएम से है। तो पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दी फॉग कम्स जो है कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट मीन्स छोटी बिल्ली के दबे पौरों से कोहरा आता है, इट्स इट्स लुकिंग यह बैठता है देखते हुए, ओवर हार्बर मीन्स बंदरगाह पे देखते हुए बैठता है, एंड सिटी और शहर पे बैठते हुए देखता है, एंड साइलेंट हॉन्सेस और जो घुटनी मोड़, शांति से घुटनी मोड़ करके बैठता है, एंड देन मूव्स ऑन, फिर उसके बाद आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो भैया ये हो गया आपके 8वीं स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब जो हम लोग इसके आधार पर एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, Who is it in the above lines? In इस above lines में, ऊपर दी गई line में जो है it कौन है। तो भैया कोहरे के लिए it का प्रयोग किया गया है ना, it जो है यहाँ पर दी ना, the fog comes, हाँ it sits looking, यार बैठते हुए देखता है। तो भैया जो है आपका क्या हो जाएगा, it किसके लिए, कोहरे के लिए यूज़ किया गया है। तो सिंपल सा आपका जो है कोहरा वाला बी वाला ऑप्शन दिए, फॉग दिए हुए हैं, तो आपका पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉग पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, How does fog comes on? कोहरा कैसे आता है। पहला, little dog feet मीन्स छोटी जो है कुत्ते के जो है पैरों से, little rat feet चूहे के पैरों से, little bird's feet बिल्कुल नहीं, little cat feet मीन्स छोटी दबी बिल्ली के पैरों के समान कोहरा आता है। तो इसलिए दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है little cat feet हमने कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जो है ये आपका जो है 8वां जो है स्टेंजा हो गया। अब बढ़ते हैं 9वीं स्टेंजा की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 9वां स्टेंजा है। अब 9वीं स्टेंजा का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आपके सामने जो है 9वां स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मींस आपका ए फायर एंड आइस वाली पोएम से है। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे दोबारा नष्ट होना हो, मीन्स संसार को दोबारा नष्ट होना हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं पर्याप्त रूप से नफरत के बारे में जानता हूँ, टू से कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट मीन्स बर्फ भी बहुत ज़्यादा है, एंड वुड सफिस, और ये भी जो है संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तो भैया ये हो गया दूसरे इस 9वें स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है, इफ दी वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा नष्ट होना हो, दी पोएट फेवर्स, तो कवि किसका पक्ष लेता है, किसके बारे में कहता है। तो भैया पहला ऑप्शन एटम बम के बारे में बिल्कुल नहीं, दूसरा वाटर बिल्कुल नहीं, आइस आपका यही जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में उसने फायर को बताया था, जैसा संसार फायर से समाप्त होगा, और दूसरे में उसने आइस बताया, बर्फ बताया। तो भैया पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What enough to destroy the world is,
कौन सी चीज जो संसार को समाप्त करने में पर्याप्त है। पहला डिक्टेटरशिप मिस तानाशाही बिल्कुल नहीं, अफिक्शन प्रेम बिल्कुल नहीं, तीसरा लव प्रेम ये भी नहीं, आपका हेटेड नफरत आपका यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का डी वाला ऑप्शन मीन्स हेटेड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो हेटेड पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका इस तरह से जो है नवा स्टेंजा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दसवीं और अंतिम स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दसवां और अंतिम स्टेंजा क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दसवां और अंतिम स्टेंजा है और ये स्टेंजा पे अच्छी आपकी जो है आ टाइगर इन दी जू पोएम से है। तो भैया क्या है, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो है एक मजबूत जो है सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो है शक्ति जो है बार्स में सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग्स वह शान के साथ चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे की जो है लेंथ में वह शान के साथ चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स मीन्स आगंतुकों को इग्नोर करके मीन्स उन्हें जो है अनदेखा करके वह शान से अपने पिंजरे की लंबाई में चल रहा है। ये भैया ये हो गया दसवीं स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे प्रश्न देख लीजिए। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न है ही हियर रेफर्स टू, यहां पर ही किसके लिए प्रयोग किया गया, वही बात टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका टाइगर हो जाएगा। और टाइगर किस ऑप्शन में दिए, बी वाले ऑप्शन, देखिए टाइगर दिए हुए हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए द टाइगर इज लॉक्ड इन अ, टाइगर किसके अंदर बंद है, तो भैया कंक्रीट जो है सेल के अंदर ना, मीन्स एक मजबूत कोठरी के अंदर बंद है ना, तो हो जाएगा पहला वुडन केस के अंदर बिल्कुल नहीं, दूसरा प्लास्टिक बॉक्स बिल्कुल नहीं, कंक्रीट सेल मीन्स एक मजबूत सेल में बंद है, मजबूत कोठरी में बंद है, तो ये आपका दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो भैया इस तरह से आपका जो है ए कंप्लीट हो गया। ए कंप्लीट होने का मतलब हो गया आपका जो है पोयम मीन्स स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए और दो स्टेंजा आपकी पोयम में से पूछे जाएंगे, हमने उसे आपको अच्छी तरह से करा दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जो है आपका अंतिम जो है बचा हुआ है वो आपका है सप्लीमेंट्री रीडर के आधार पे कहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और इस पे चलने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, बिल्कुल थकना नहीं चाहिए भैया, ठीक है। तो आपके सामने यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाई हुई है। और इस क्लास से अब 5 नंबर आपके पक्के होंगे अब से आगे जो क्लास चलने वाली है। और सप्लीमेंट्री रीडर से देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले सेक्शन में आप देखिए जो है 15वां पॉइंट दिए हुए हैं, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसंस, मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं सभी चैप्टर के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो भैया 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हमने 35 एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, 6 चैप्टर से हमने 35 एमसीक्यूज करा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सभी एमसीक्यूज को करा दे रहे हैं। तो इसलिए भैया हमने कहा कि इस क्लास से जो है अब यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका 15 एमसीक्यूज हो चुका है आपके, जो है जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा उसमें से 15 करा चुके हैं, 5 यही आपका बचा है जिसे अब आपको आगे कराने वाले हैं। तो भैया जल्दी से सभी पे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद जो है हम लोग आगे क्लास की शुरुआत करते हैं, मीन्स आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पहला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न आपके चैप्टर 1 से है, मीन्स आपके पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसे देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर का। तो भैया पहला चैप्टर आपका कौन सा है, आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी है, तो आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी से कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग उसे देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है एट दी क्लिनिक, मीन्स क्लिनिक पर डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, तो भैया क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, तो 2 दिनों तक कोई भोजन उससे नहीं दिए हुए थे ना, तो ये आप देखोगे ऑप्शन में, तो देखिए जो है क्या नहीं दिए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, हाँ क्या दिए थे, एट दी क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिए, तो भैया सिंपल से जो है वहाँ पर कोई भोजन 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे। पहला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए, फल और जो है सब्जियाँ दिए बिल्कुल नहीं,
इंजेक्शन दिए बिल्कुल नहीं, नो फूड फॉर टू डेज, दो दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए, यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन चॉकलेट्स दिए बिल्कुल नहीं, तो आपका जो है पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए दूसरा एमसीक्यूज है, एट व्हाट वाज टिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, मिस टिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। तो भैया वह जो है उसकी वास्तविक समस्या थी कि अत्यधिक भोजन करने की वजह से वह ओमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, यही इसकी वास्तविक समस्या थी। तो देखिए पहला ऑप्शन उसको फीवर था बिल्कुल नहीं, मलेरिया हो गया था बिल्कुल नहीं, मेल न्यूट्रिशन हो गया था, कुपोषण हो गया था बिल्कुल नहीं, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमिटिंग उल्टियां कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मींस भोजन की अधिकता की वजह से, भोजन की अधिकता की वजह से वह उल्टियां कर रहा था। तो दूसरे का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। थोड़ा सा थकान हो गई है क्योंकि जो है दो लगभग दो घंटे की क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा आवाज में आपको थकान दिख रही होगी। अब यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, मिसेस पम्फ्री थी क्या थी, पुअर लेडी, गरीब औरत थी बिल्कुल नहीं, सेल्फिश लेडी, स्वार्थी लेडी थी बिल्कुल नहीं, रिच लेडी थी, धनी औरत थी। तो भैया तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिसेस पम्फ्री एक धनी औरत थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न है, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। तो भैया ट्रिकी एक कुत्ता था ना, एक डॉग था ना। तो पहला ऑप्शन अ कैट था बिल्कुल नहीं, अ मंकी था बिल्कुल नहीं, डॉग था। भैया चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी वाज अ डॉग, मींस आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, द अदर डॉग्स मींस अन्य कुत्ते डिसाइडेड, निर्णय किए, दैट ट्रिकी वाज अ ट्रिकी एक था अनइंटरेस्टिंग एनिमल, पहला आपका दिए हैं इंटरेस्टिंग एनिमल मींस रुचकर जानवर था बिल्कुल नहीं, और दूसरा ऑप्शन अनइंटरेस्टिंग एनिमल मींस कुत्तों ने यही पाया कि ये अरुचिकर है, कोई रुच नहीं रहता तो रुचकर पाए थे, इसलिए पांचवें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें की बी पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। तो भैया पांच प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो मतलब 2 घंटा 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 2 घंटा 10 मिनट की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखिए चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मिस आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर का जो दूसरा चैप्टर है द थीप्स स्टोरी, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अब हम लोग कवर करेंगे। तो पहला इसमें प्रश्न है, मींस ओवर मिलाकर के छठा प्रश्न है, Who was the writer, कौन लेखक था इन the story, the thief's story, the thief's story में कौन लेखक था। तो भैया इसमें अनिल एक लेखक था ना जो किताबों को लिखता था, तो अनिल हो जाएगा। और जो है पहला अजीत सिंह बिल्कुल नहीं, दूसरा आपका बी अनिल सिंह दिए हुए हैं, तो आपका अनिल दिए हुए हैं, तो आपका छठी का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठी की बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, मींस दुकान का क्या नाम था, इन विच, जिसमें अनिल लिव्ड इन अ रूम, जिसमें अनिल एक कमरे में रहता था, उस दुकान का क्या नाम था जिसमें अनिल एक कमरे में रहता था। तो भैया जमुना स्वीट शॉप था ना, जमुना स्वीट शॉप, देखिए ऑप्शन में कहां दिए हैं, पहला रोमन स्वीट शॉप बिल्कुल नहीं, ब्रिजवासी बिल्कुल नहीं, जमुना स्वीट शॉप सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका सातवीं का सी वाला सही हो जाएगा। तो सातवीं के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं आठवीं प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट, हरी सिंह क्या चाहता था फ्रॉम अनिल, मींस अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, पहला वर्क कार चाहता था, दूसरा मनी चाहता था, इटेबल्स चाहता था, होम चाहता था। भैया सिंपल सी बात है, वह उससे कार चाहता था। तो आपका आठवीं का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के ए पर हम लोग टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए नवा प्रश्न आपके सामने है, वेयर अनिल टग्ड द मनी, कहां पर अनिल ने पैसे को रखा हुआ था। तो भैया अंडर द मैट्रेस, मींस जो है रजाई के अंदर रखा हुआ था ना, तो हो जाएगा अंडर द सोफा, सोफा के नीचे बिल्कुल नहीं, अंडर द मैट, मैट के नीचे बिल्कुल नहीं, अंडर द मैट्रेस हो जाएगा, इस गद्दे के नीचे। आपका नवी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडर द मैट्रेस हो जाएगा। तो ये आपका नवा के सी सही हो गया। दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते, देखते हैं दसवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दसवां प्रश्न है,
अनिल वाज, अनिल था 15 ईयर्स ओल्ड 15 वर्ष का था, 30 ईयर्स ओल्ड 30 वर्ष का था, 25 ईयर्स ओल्ड 25 वर्ष का था, 35 ईयर्स ओल्ड 35 वर्ष का था। तो भैया अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था ना, तो ये आपका हो जाएगा दसवीं का सी वाला ऑप्शन, 25 ईयर्स ओल्ड मीन्स अनिल 25 वर्ष का था, तो दसवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दसवीं की सी पर हम टिक कर देंगे। आगे यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न आपके चैप्टर 3 से है, मीन्स तीसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो भैया यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है, ग्रिफिन वाज मीन्स ग्रिफिन था, एक्टर था, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था, लैंडलॉर्ड था। तो भैया ग्रिफिन क्या था? एक वैज्ञानिक था ना, और एक इस चैप्टर से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ग्रिफिन क्या था? एक वैज्ञानिक था ना, तो आप सीधे कर दोगे ग्रिफिन वाज वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 11 के सी पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर 12वां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? तो भैया पहला ऑप्शन लॉलेस पर्सन मींस नियम ना मानने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही है। दूसरा ब्रिलियंट साइंटिस्ट मींस बुद्धिमान वैज्ञानिक, ए भी सही है। तीसरा बोथ ए एंड बी मींस ए भी सही है, बी भी सही है, ये आपका जो है 12वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 12वीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, तो 12वीं का सी आपका सही हो गया। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट, उनका जो है मेहमान किस प्रकार का वैज्ञानिक था? मीन्स जो है मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग जो है उनका जो है उनका मेहमान किस प्रकार का वैज्ञानिक था? तो भैया मिसेस हॉल के अनुसार उनका मेहमान सनकी टाइप का वैज्ञानिक था ना, तो पहला ऑप्शन जीनियस था, बिल्कुल नहीं। दूसरा फैंटास्टिक था, बिल्कुल नहीं। और जो एवरेज था, बिल्कुल नहीं। डी वाला ऑप्शन आपका एसेंटिक दीवे, सनकी दीवे, यही आपका 13 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एसेंटिक हो जाएगा। मिस जो है मिसेस हॉल के अनुसार जो है किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, जो उनका गेस्ट किस प्रकार के वैज्ञानिक था? एसेंटिक सनकी वैज्ञानिक था, तो 13 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 13 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। अब 14वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, इन विच स्टोर किस दुकान में ग्रिफिन वाज इंटर्ड, ग्रिफिन प्रवेश किया था फॉर वार्म्थ मींस गर्माहट के लिए, गर्माहट में के लिए ग्रिफिन किस दुकान में प्रवेश किया था? पहला चिली स्टोर, बिल्कुल नहीं। इंडियन स्टोर, बिल्कुल नहीं। पेरिस स्टोर, बिल्कुल नहीं। आपका डी वाला लंदन स्टोर में उसने घुसा हुआ था, तो आपका 14 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 14 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए 15वां प्रश्न है, और ये 15वां प्रश्न चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 कौन सा है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, तो अब द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका है, रिचर्ड एब्राइट वाज एन, रिचर्ड एब्राइट थे, क्या थे? एक्टर थे, बिल्कुल नहीं। सिंगर थे, गायक थे, बिल्कुल नहीं। इंजीनियर थे, बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक थे, तो भैया रिचर्ड एब्राइट भी वैज्ञानिक थे ना, तो आपका 15 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एके सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पर देखिए 16वां प्रश्न है, रिचर्ड एब्राइट वॉज बॉर्न इन, रिचर्ड एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था? रीडिंग स्थान पे हुआ था ना, न्यूयॉर्क में रीडिंग स्थान पे, पेंसिल्वेनिया के रीडिंग स्थान पे हुआ था ना, लिवरपूल में बिल्कुल नहीं, लंदन बिल्कुल नहीं, रीडिंग नामक स्थान पे हुआ था, तो आपका 16 का सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 16 के सी पर टिक कर देंगे, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया था। प्रश्न क्या है? एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एब्राइट ग्रेजुएशन किया था, तो भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था ना, पहला ऑप्शन आपका हार्वर्ड दिए हुए हैं, तो इसलिए 17 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 17 के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। यहां पर देखिए 18वां प्रश्न है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, मींस जो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? तो भैया इसको किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा हुआ है ना, और पहला ही ऑप्शन आपका दिए हुए हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, तो आपका यही सही हो जाएगा, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं 19वें प्रश्न पर चलते हैं, यहां पर देखिए 19वां प्रश्न है, डॉट 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 इनकरेज्ड एब्राइट, एब्राइट को प्रोत्साहित किया इन हिज इंटरेस्ट मींस उनकी रुचि को इन लर्निंग शिक्षा में, तो भैया कौन जो है एब्राइट को उनकी शिक्षा में पढ़ने की रुचि को प्रोत्साहित किया? पहला हिज फादर उनके पिता, दूसरा हिज मदर उनकी मां, तीसरा हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, और चौथा हिज टीचर। तो भैया जो है उनकी मां ने प्रोत्साहित किया हुआ था ना, तो 19 का आपका हिज मदर मींस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है,
इब्राइट रियलाइज्ड, इब्राइट ने महसूस किया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज, मीन्स सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वाज रिक्वायर्ड, मीन्स आवश्यक थी फॉर विनिंग अ प्राइज, एक पुरस्कार जीतने के लिए इन द साइंस फेयर, वाज मीन्स साइंस के विज्ञान के मेले में, इस विज्ञान के मेले में कौन सी चीज जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज होती है जीतने के लिए, तो भैया जो है रियल एक्सपेरिमेंट, मीन्स वास्तविक प्रयोग जो है महत्वपूर्ण होते हैं। पहला डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, चीजों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, दूसरा एज बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन दिए हैं, रियल एक्सपेरिमेंट मीन्स वास्तविक प्रयोग, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 20वीं के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, देखिए 21वां प्रश्न है और 21वां प्रश्न आपके चैप्टर 5 से है, तो भैया चैप्टर 5 आपका कौन सा है, चैप्टर 5 आपका है द नेकलेस वाला चैप्टर है, द नेकलेस से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान से देखिए, मैटिल्डाज हस्बैंड वाज, मैटिल्डा के पति थे, पहला अ मिनिस्टर थे बिल्कुल नहीं, एन ऑफिसर थे बिल्कुल नहीं, अ बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं, अ पेटी क्लर्क मींस एक तुच्छ से क्लर्क थे, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया मैटिल्डा के पति कौन थे, एक तुच्छ से क्लर्क थे ना, तो 21 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 21 के डी पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे, तो यहां पर देखिए टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न है, फॉर व्हाट हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स, किसके लिए जो है लॉइजल ने 400 फ्रैंक को बचा करके रखे हुए थे, पहला टू बाई अ गन को खरीदने के लिए, दूसरा टू बाई अ बाइक बाइक खरीदने के लिए, टू बाई अ टीवी खरीदने के लिए, टू बाई एक्सेसरीज को खरीदने के लिए, तो भैया गन को खरीदने के लिए उन्होंने 400 फ्रैंक बचा करके रखा हुआ था, तो 22 का आपका ए वाला ऑप्शन टू बाई अ गन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पर हम लोग क्या कर देंगे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने 23वां प्रश्न है, मिसेस लाइजल वेंट टू मिस्टर मैडम फॉरेस्टियर टू बारो, मींस मिसेस लाइजल जो है मैडम फॉरेस्टियर के जो है के पास गई थी उधार लेने के लिए, तो क्या उधार लेने के लिए, नेकलेस उधार लेने के लिए गई हुई थी ना, तो आपका पहला ऑप्शन ड्रेस उधार लेने के लिए बिल्कुल नहीं, दूसरा अ नेकलेस आपका यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस मैडम जो है मिसेस लाइजल मैडम फॉरेस्टियर के पास जो है नेकलेस उधार लेने के लिए गई हुई थी, तो 23 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वें पर बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए 24वां प्रश्न है, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, मींस कब जो है मिसेस और मिस्टर लाइजल जो है पार्टी से वापस आते हैं, तो सुबहिया उन्हें 4 बज गया था ना, सुबहिया भोर का 4 बज गया था ना, तो जो है आपका पहला ऑप्शन देखिए दी हुए एट 4 AM, मीन्स सुबह का 4 बज गया था, तो आपका 24 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 24 के ए पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है, हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड, कितने पैसे की उन्हें आवश्यकता थी टू बाई दी नेकलेस, नेकलेस को खरीदने के लिए, तो भैया नेकलेस को खरीदने के लिए उन्हें 36 जो है थाउजेंड्स, मीन्स 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी ना, देखिए आपका जो है पहला ऑप्शन 50,000 फ्रैंक बिल्कुल नहीं, 20,000 फ्रैंक बिल्कुल नहीं, 36,000 फ्रैंक मीन्स 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, तो आपका 25 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ, और इस 26वां प्रश्न प्यारे आपके चैप्टर 6 से है, मीन्स छठे चैप्टर से है, और छठा चैप्टर आपका कौन सा है, भोली वाला चैप्टर है, आप भोली वाले चैप्टर से देखिए कौन सा प्रश्न है, दी तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, क्या कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा ना, तो पहला ऑप्शन सेंड देम टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजने के लिए, यही आपका सही हो जाएगा, मैरी देम सून, उनका जल्दी विवाह करने के लिए बिल्कुल नहीं, एंड देम टू दी सेंड टू दी सिटी शहर भेजने के लिए बिल्कुल नहीं, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंड देम टू स्कूल मीन्स जो है उनकी बेटियों को कहा कि स्कूल को भेजें, मीन्स जो है तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, तो भैया आपका 26 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ए प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएचसेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने है, रामलाल हेड, अब ए 2022 के एके और एएन दो सेट में प्रश्न पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामलाल हेड रामलाल के पास थे कितने बेटे, कितनी बेटियां थी, तो भैया रामलाल के पास 3 बेटे और 4 बेटियां थी ना, ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर दिए, पहला 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स बिल्कुल नहीं, उनके पास 3 जो है बेटे और 4 बेटियां थी, तो अब भी वाला ऑप्शन देखिए 3 सन्स 3 बेटे
एंड फोर डॉटर्स और चार बेटियां, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो रामलाल के कितने बेटे थे? तीन बेटे थे और जो है चार बेटियां थी। तो आपका 27 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 28वां प्रश्न है, भोली वाज दी डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी किसकी? नंबरदार रामलाल की पुत्री थी ना। पहला कलेक्टर रामलाल बिल्कुल नहीं, तहसीलदार रामलाल बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्टर रामलाल बिल्कुल नहीं, नंबरदार रामलाल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भोली जो है नंबरदार रामलाल की जो है बेटी थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते 29वें प्रश्न की तरफ, देखिए यहां पर 29वां प्रश्न है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? पहला प्रिया था बिल्कुल नहीं, गीता था बिल्कुल नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका सुलेखा दिए हुए हैं, ये आपका सुलेखा सही हो जाएगा। मीन्स जो है भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था, तो 29 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए आपके सामने 30वां प्रश्न है, Who came to marry भोली, कौन आया था भोली से विवाह करने के लिए? तो भैया विश्वंबर नाथ आया हुआ था ना, जो उसकी बाप की उम्र का था ना, तो भैया विश्वंबर नाथ आया था। पहला प्रेमनाथ बिल्कुल नहीं, दूसरा हरिनाथ बिल्कुल नहीं, तीसरा दीनानाथ बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विश्वंबर नाथ। मिस भोली से विवाह करने के लिए विश्वंबर नाथ आया हुआ था। तो 30वीं का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते 31वें प्रश्न की तरफ, यहाँ पर देखिए 31वां प्रश्न है, विच पिक्चर, कौन सी तस्वीर डिड भोली सी, भोली ने देखा ऑन दीवार, मीन्स दीवार पर कौन सी तस्वीर को भोली ने देखा? तो भैया काऊ को भी उसने देखा था, पैरोट को भी देखा था, गोट को भी देखा था। तो आपका डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव वाला सही हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को उसने देखा था, तो इसलिए आपका 31 का डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव का सही हो गया। बढ़ते 32वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए 32वां प्रश्न है, Who was लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? तो भोली की गाय लक्ष्मी थी ना, भोली की गाय का नाम लक्ष्मी था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोलीज काऊ, मींस भोली की गाय लक्ष्मी थी, तो इसलिए आपका 32 का ए वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए 33वां प्रश्न है, Who was रामलाल's eldest daughter, रामलाल की बड़ी बेटी कौन थी? तो भैया बड़ी बेटी का नाम राधा था ना। पहला अमंगला दिए बिल्कुल नहीं, दूसरा चंपा दिए बिल्कुल नहीं, सी वाला ऑप्शन देखिए राधा दिए हुए हैं। तो आपका 33 का सी वाला ऑप्शन राधा सही हो जाएगा। बढ़ते 34वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 34वां प्रश्न है, एट व्हाट एज, किस अवस्था में डिड भोली बिगिन टू स्पीक, भोली बोलना प्रारंभ की, तो किस अवस्था में भोली बोलना प्रारंभ की? तो 4, 3, 2, 5, तो भैया भोली जब 5 वर्ष की हो गई थी तब वह बोलना प्रारंभ की हुई थी ना। तो आपका जो है डी वाला ऑप्शन 5 ईयर्स का सही हो जाएगा। तो 34 का डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 35वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 35वां प्रश्न है, The other dogs, अन्य कुत्ते decided निर्णय लिए that tricky was, tricky था, अन्य कुत्तों ने निर्णय लिए कि tricky था। तो भैया tricky कैसा था? Uninteresting object उन्होंने पाया था ना, means एक अरुचिकर जानवर के रूप में उसे पाई हुई थी ना। तो पहला ऑप्शन वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल बिल्कुल नहीं, दूसरा वेरी फनी बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका सी वाला अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मीन्स एक बहुत अरुचिकर जानवर के रूप में उसे पाए हुए थे। तो आपका 35 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही प्यारे आपकी क्लास की समाप्ति होती है, अर्थात आपकी इस महामैराथन की क्लास की समाप्ति होती है। और ये आपकी पहली और आखिरी महामैराथन की क्लास थी। तो एक बार सभी पैरचे बोले जय श्री राम भैया, जय श्री सिया राम बोलते हैं, ठीक है, जय श्री राम नहीं, सीता माता को भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। तो भैया ये आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, और इस क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पक्के हो गए। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, इनमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट करा दिए। और जैसा कि प्याची हमने आपको कल कहे हुए थे कि आपकी दो महामैराथन की क्लास होगी, एक महामैराथन की क्लास आपकी जो है ये हो जाएगा 20 नंबर वाली, जो आज की एक क्लास चली हुई थी, और एक क्लास हमने आपको कही हुई थी कि 50 नंबर की होगी, जो आपका पार्ट बी होता है, सेक्शन बी होता है, उसकी 50 नंबर की एक महामैराथन की क्लास होगी। लेकिन प्याची वो क्लास नहीं होगी, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एक क्लास समाप्त होते होते इस समय जो है आपका बज रहा है, टाइमिंग हो रहा है, दो से ज़्यादा टाइमिंग हो चुका है। तो अगली क्लास जो है आपकी 9:32 की है, मिस उस क्लास को रिकॉर्डिंग प्याचे पूरी कर चुके हैं, उस क्लास की रिकॉर्डिंग दो दिन पहले ही कर दिए थे, क्योंकि जो है क्लास 12th का पेपर 24 को समाप्त हुआ था, तो उसके बाद जो है वो लंबी क्लास थी, तो इसलिए उस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है 25-26 तारीख को ही कर दिए थे, और उस क्लास की रिकॉर्डिंग जो हुई है वो 9:32 की हुई है।
तो भैया अगर अगली क्लास को 3 बजे भी लगा रहे हैं या 3:30 बजे भी अगली क्लास को लगा रहे हैं तो वो क्लास जो है आपकी 12:30-1 बज जाएगा चलते चलते। तो भैया 12:30-1 बज जाएगा तो आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे, कल मॉर्निंग में आपको पेपर देने जाना है, तो इसलिए उस क्लास को नहीं जो है अपलोड किया जा रहा है। और इसलिए भी नहीं अपलोड किया जा रहा क्योंकि उस क्लास में रिवीजन सीरीज की सभी क्लासेस को इंक्लूड किया गया था, मीन्स जो रिवीजन सीरीज में पढ़ाया गया था वही सारी चीज़ें उसमें भी पढ़ाया गया है। तो इसलिए जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 4-6 क्लास केवल रिवीजन सीरीज की छुट्टी हुई है। तो इसलिए जो है अगर आप उस क्लास को अटेंड करना शुरू कर देंगे महामारथन की क्लास को तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा, आपने जो पूरे वर्ष मेहनत की हुई है आप जो है उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपका ही आपके पास समय बचा है। तो अगर कल उसे अपलोड की होते गलती की कल हमें अपलोड करना चाहिए था तो कल आप कवर कर लेते, लेकिन आज आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आज प्यार बच्चे आप जो पूरे वर्ष पढ़ी हो उसका पूरी का रिवीजन कर लेना, इस महामैराथन की क्लास के बाद आप सब कुछ वही रिवीजन करना जो आपने पूरे वर्ष पढ़ा हुआ है। और जो हमने जो है रिवीजन सीरीज की क्लास दी हुई है प्यार बच्चे, आप रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, सभी क्लासेस को अटेंड कर लोगे, इस बात की महत्व को समझना। क्योंकि अभी जो 24 फरवरी का जो है क्लास 12th का पेपर हुआ उसमें 80-90% जो है सिलेबस जो है आपका जो है पेपर जो है रिवीजन सीरीज से मैच किया हुआ है। तो इसलिए रिवीजन सीरीज की सभी क्लासेस को आप अटेंड कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, कुछ रिवीजन सीरीज की क्लास डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर चली हुई है, तो इसलिए आप यहां से भी क्लासेस को अटेंड कर लेना। और आज भी आपसे सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर 8:00 लाइव होंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें कोई भी डाउट होगा आपका कल के एग्जाम के रिलेटेड तो आप लोग वहां से पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो आज 8:00 सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे आपको लाइव जुड़ना है। बाकी एक सेशन आपको और ले लेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि आपको इंग्लिश की पेपर को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, अगला सेशन उसका जो है कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा। और भैया टेलीग्राम पे आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको वहां पर डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास हो गई, अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं और आप लोग जो है कल जाकर के परीक्षा दीजिए, एकदम शानदार सभी की परीक्षा होनी चाहिए, यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और जब अभी यहीं सेशन की समाप्ति करते हैं, सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे, लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो भैया इन्हीं बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं जो है शाम वाले एक सेशन मिलेंगे। आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, मतलब जो है उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताएंगे, परीक्षा में आपको किन बातों को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं शाम के सेशन के साथ, मिलते हैं मीन्स 6-7 बजे के आसपास मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।